बाबा की महती कृपा से एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। बाबा के आशीर्वाद, उनके आदेश, उनकी कृपा से कि उनके समक्ष उन्हीं के स्थान पर भगवान की चर्चा, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा और ईश्वर की चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। इसको हम लोग अपना परम भाग्य समझते हैं, क्योंकि जीवन में जो गुरु के निकट समय व्यतीत होता है, गुरु के सानिध्य में व्यतीत होता है और जो ईश्वर स्मरण में व्यतीत होता है, वही समय सबसे महत्वपूर्ण है। वही हम लोगों का पुण्य का उदय मानना चाहिए, अन्यथा इतनी कितनी भी लंबी आयु हो जाए, उस लंबी आयु में भी हम लोग अपने घरेलू और सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा 90% समय उसी में चला जाता है और अंत में देखते देखते वह समय भी आ जाता है जब जाने का समय आ जाता है और बताता भी कोई नहीं है, बस एकदम से चल दो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, ऑटोमेटिक चल देंगे लेकर के, बताते भी नहीं है, सारे ज्योतिषियों की भाषाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए ईश्वर आराधना गुरु के सानिध्य में रहकर करनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ द्विवेदी जी का और इन लोगों का कि इन लोगों ने आज मार्ग शीर्ष का जो ये महीना होता है, ये बहुत ही पवित्र महीना माना गया है, कार्तिक और मार्ग शीर्ष दोनों ही। कार्तिक जो है भगवान विष्णु को समर्पित है ही, उसमें उत्सव आदि भी रहते हैं। मार्ग शीर्ष जो है इतना पवित्र है कि भगवान ने गीता में अपनी विभूतियों में इसका वर्णन करते हुए कहा कि मैं महीनों में मार्ग शीर्ष महीना हूँ, मार्ग शीर्षोहम, अपनी विभूति में कह दिया। इसलिए मार्ग शीर्ष का जो महीना हमारे यहाँ पवित्र है, ठंड भी हो जाती है, तो मार्ग शीर्ष की आज मोक्षदा एकादशी है। अभी बाबा का प्रागट्य दिवस हम लोगों ने अभी मनाया है, बाबा का प्रागट्य दिवस भी इसी अष्टमी को हुआ है। मार्ग शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बाबा के का प्रादुर्भाव मानते हैं, उसका उत्सव हम लोगों ने भी संपन्न किया है। आज एकादशी है, आज भगवद गीता की जयंती के रूप में ये मनाई जाती है। भगवद गीता के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। आज अभी ब्राह्मणों ने, विद्वान लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का वाचन किया है, पाठ किया है, गायन किया है। उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बाबा के समक्ष ये गायन किया है। जो लोग यहाँ गीता की पुस्तकें भी कुछ मैंने मंगा दी हैं, मैंने कहा जिन्होंने पाठ किया है उनको और जो साधु पुरुष आप यहाँ बैठे हुए उनको भी मैं गीता दे दूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि आप कभी कभी गीता माता का आशीर्वाद देते रहा करिए। एक मैं अपने अनुभव से बताऊंगा कि गीता के लोग कहते हैं गीता बहुत शुष्क है, ड्राई है, समझ में नहीं आती, तो आपको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अस्पताल में जाकर जिस डॉक्टर से इलाज कराना है बस उसको जान लो, पहचान लो, जो दवा दे वही खाते रहो। पूरे PGI में कितने विभाग हैं, कितने प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। गीता तुम पढ़ो, जो समझ में आवे उतना समझो, जो समझ में नहीं आता है उसके लिए प्रार्थना करो कि और समझा देंगे, धीरे धीरे खुलेगी। गीता इज ए सुप्रीम डॉक्ट्रिन, भगवान के मुख से निकला हुआ अल्टीमेट डॉक्ट्रिन है ये, इससे श्रेष्ठ फिर कोई गुरुतर ज्ञान नहीं है। इसलिए ये लोग सामान्य रूप से आप नहीं समझ सकेंगे जब तक लगातार इसका परिशीलन करते 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 आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं हो जाएगी, तब तक गीता की समझ में नहीं आती है। इसलिए जैसे छोटे बच्चे जो है को अगर MA की किताब दे दी जाए तो क्या करेगा, उससे कहते हैं तुम पढ़ते रहो खाली,
थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते जब एमए के बराबर हो जाएगा तो किताब समझ में आ जाएगी। ये इसका स्वरूप है। बाबा की महती कृपा और भगवान देवाधिदेव महादेव की महती कृपा, भगवान नारायण की महती कृपा से हम लोगों की दैट इज स्मॉल गैदरिंग वी आर हियर। और गीता जयंती के एक अवसर को ध्यान में रखते हुए भगवान की चर्चा और इस महनीय ग्रंथ के संबंध में, गीता जो है ये कुछ इसका जो इन्होंने शीर्षक द्विवेदी जी ने लिखा है कि भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भगवद् गीता का वैशिष्ट। श्रीमद् भगवद् गीता जो है ये महाभारत का भाग है। महाभारत ग्रंथ बहुत विशाल है, उसके उसमें 18 पर्व हैं। उसमें जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवद् गीता आई है और आप सबको इसका ज्ञान है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, जो वैशिष्ट के संबंध में मैं जो बताने बता रहा हूँ कि गीता की विशिष्टता क्या है। पहली विशिष्टता जो मेरी समझ में आती है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसकी उत्पत्ति युद्ध भूमि में होती है। श्रीमद् भगवद् गीता की उत्पत्ति महाभारत के युद्ध भूमि में हो रही, जहाँ युद्ध अभी होने ही जा रहा है। बस इसे अबाउट माने दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई हैं और सब माने अब कुछ बचा नहीं है, बस खाली बाढ़ छोड़ना है और शंख बजाना है। शंख बजते युद्ध शुरू हो जाएगा। द वॉर इज अबाउट टू स्टार्ट। उसी समय जो है अर्जुन को ये मोह होता है कि अरे अब क्यों मोह हो रहा है, यही भगवान की माया है। और वो कहते हैं कि मैं कैसे द्रोणाचार्य से लड़ूंगा, मेरे तो ये तो इन्होंने मुझे शिक्षा दी धनुष की, भीष्म पितामह तो मेरे बाबा हैं, इन्होंने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। ये सारे लोग मेरे समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं और मैं कैसे इनसे युद्ध कर सकता हूँ। अगर युद्ध में मैं विजयी भी हो जाऊँ तो सारी सेनाओं को मारने के बाद रक्त रंजित पृथ्वी लेकर के मैं क्या करूँगा, स्त्रियाँ विधवा हो चुकी रहेंगी, सब बच्चे रो रहे होंगे, उस राज्य का मैं लेकर क्या करूँगा। दूसरी, युद्ध का परिणाम क्या होगा यह अनिश्चित है, क्योंकि दोनों तरफ योद्धा हैं। अब उनके मन में ऐसा होता है इस तरह से मोह करके। और भगवान कृष्ण, भगवान देवाधिदेव देखिए कृष्ण नारायण, अर्जुन के प्रति इतना मोह हो चुका है कि भगवान उनके सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। पहले उन्होंने दोनों तरफ, क्योंकि बुआ के लड़के थे दोनों तरफ, तो उन्होंने कह दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा। बलराम जी तो इतना अधिक जो है वो इसमें तटस्थ हो गए थे कि वो तीर्थाटन पर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं न पांडवों के पक्ष में रहूंगा, न कौरवों के साथ रहूंगा, किसी के साथ रहूंगा, न्याय अन्याय में नहीं समझ पाता हूँ, इसका रहस्य बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो तीर्थयाटन चले गए। भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लेते हुए, इसलिए कि धर्म के साथ हैं, भगवान ने कहा मैं युद्ध तब भी नहीं करूँगा लेकिन मैं उस रथ पर रहूँगा। भगवान यह भी कह सकते थे अर्जुन को कि बकवास बंद करो, हम लोग दोनों नर नारायण ऋषि हैं, बद्रीनाथ में हम तपस्या निरंतर करते ही रहते हैं, तुम अभी जाओ युद्ध करो, हम लोग जब फुर्सत होगी तब नर नारायण पर्वत में बद्रीनाथ की गुफाओं में तुम्हें ज्ञान दे देंगे। एक लाइन में कृष्ण कह सकते थे, यू वुड हैव इजली सेड स्टॉप नॉनसेंस लेट अस फाइट, अब युद्ध शुरू होने जा रहा है, अब इस समय तुम पूरा फिर से नई बात शुरू करने जा रहे हो, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। यह अपने आप में गीता की उत्पत्ति युद्ध भूमि में होना गीता की विशिष्टता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बद्रीनाथ की गुफा और महाभारत का युद्ध का मैदान वो ईश्वर के लिए एक ही है। जो ईश्वर बद्रीनाथ की गुफाओं में है वही युद्ध भूमि में भी है, उसमें रंचमात्र भी अंतर नहीं है, यही गीता का मैसेज है। एज ए ऑफिसर मैं सचिवालय में बैठा हुआ हूँ तब भी मेरे लिए गीता उसी तरह से है जैसे मैं किसी बद्रीनाथ की गुफाओं में बैठा हुआ ईश्वरस्थ हूँ, ध्यानस्थ हूँ।
जो निराकार है वही साकार होकर के व्याप्त हो रहा है, यही इसका मैसेज, इसकी उत्पत्ति ही को बताता है। भगवान कह सकते थे कि बद्रीनाथ में बता देंगे फुर्सत से, व्हाट इज हरि, स्टॉप नॉनसेंस भाई, कह देते क्योंकि क्या है, क्योंकि ऐसी बातें कर रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं जो कि संभव नहीं होनी चाहिए, इसलिए उत्पत्ति युद्ध भूमि। बाद में कहते भी हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मुनस्मर युद्ध च, एक हाथ में धनुष बाण लिए रहो और एक हाथ में मेरा स्मरण करते रहो। आप कभी इस तरह का अभ्यास करके देखिए, कोई आपको मारने के लिए तलवार उठाए हुए है और आप कृष्ण कृष्ण कहते भी रहो, तलवार से लड़ते भी रहो, जरा देखो इसका अनुभव करके, तुम्हें ऐसा होता है क्या? हम लोग युद्ध में तो छोड़ो, तुम नॉर्मल टाइम में भी अगर अपनी गाड़ी चलाते हुए, बच्चों के साथ खाना खाते हुए, खिलवाड़ करते हुए, पिक्चर देखते हुए, गाली गलौज बकते हुए, ईश्वर को कितना तुम धारण किए रहते हो, तुम्हारी बुद्धि ईश्वर को कितना धारण किए रहती है, इसको तुम विचार करो। जब बुद्धि ईश्वर को समस्त समग्र रूप से धारण करने के योग्य हो जाती है, तब वह हमारे यहाँ योगियों में महायोगी कहा गया है। तो दिस इज वन जो मेरे समझ में आया कि युद्ध भूमि में इसकी उत्पत्ति। धृतराष्ट्र को ये संजय सुनाता है, संजय जो है ये गवलग्न जो नाम के एक सूत हैं उनके पुत्र हैं, और ये बड़े मुनि थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, व्यास जी के शिष्य थे। व्यास जी ने ही इन्हें ज्ञान प्रदान किया था और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। धृतराष्ट्र अंधा था, नालायक था, पुत्र मोह में रहता था, राजा था, न्याय अन्याय समझ नहीं पाता था, समझता था, सब सारी बातें समझाई जाती तो समझ लेता था, लेकिन फिर वही मेरा बेटा हाय हाय का करूँ, सब अच्छी बात है लेकिन हाय तो मेरा ही। इसी मोह के कारण पूरा युद्ध तक हो गया, विनाश तक हो गया, सारी चीज़ें हो गई और धृतराष्ट्र का मोह नष्ट नहीं हुआ। तो धृतराष्ट्र जो है वो पहले जब भगवान व्यास जी आए तो धृतराष्ट्र से कहा कि तुम अंधे हो लेकिन मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तुम ही देख लो युद्ध। अरे बोला नहीं भगवान हमको मत दीजिए, नहीं तो अपने बच्चों को मरते हुए देखूंगा, परिपड़ी बहुत पीड़ा होगी, आप संजय को दे दीजिए, जब हमें जरूरत पड़ेगी संजय मुझे बताएगा। 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि में ही थे, महाभारत के 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि में थे और धृतराष्ट्र यहीं रहता था, उसको शाम को बताते थे आके। 11वें दिन जब भीष्म पितामह सरसैया पर गिर पड़े और लगा कि नाउ रिजल्ट इज मोर आर नोन, अब तो भीष्म बुढ़ा गिरे गया है, अब क्या बचा है, कुछ दो चार और है, तो धृतराष्ट्र बुलवा लेता है संजय को और संजय से फिर पूछता है कि अब मुझे तुम शुरू से बताओ कि युद्ध भूमि में क्या हुआ, हाउ द वॉर स्टार्टेड एंड टेल मी एवरीथिंग। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी भगवान ने, व्यास जी ने, उनके गुरु ने, और उसी दिव्य दृष्टि से संजय ने फिर से पूरा जो है वो गीता की, जो गीता में किस तरह भगवान वहाँ पर प्रश्न कर रहा है अर्जुन, किस तरह भगवान बता रहे हैं, उनका विराट स्वरूप का दर्शन करता है, सारी चीज़ें वो धृतराष्ट्र को सुनाता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ गीता। दूसरी जो गीता की विशिष्टता मुझे दिखाई पड़ती है वह कर्मयोग की प्रतिष्ठा है। अभी तक भारतीय दर्शन में सबसे अधिक हमारे यहाँ सन्यासियों का महत्व दिया गया, जो लोग भगवा धारण करके कर्म सन्यास ले लेते हैं उनको हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ माना गया, और ऋषियों की परंपरा भी वही रही माने पहले, और जो हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम का मतलब आश्रम सिस्टम भी था कि पहले बटुक होगा, विद्यार्थी होगा, 25 साल पढ़ेगा, फिर गुरु के आश्रम से घर जाएगा, उसका विवाह होगा, वो गृहस्थ जीवन में जाएगा, 25 साल तक वहाँ गृहस्थ जीवन में रहने के बाद वानप्रस्थ हो जाएगा, और वानप्रस्थ माने कि दैट इज द गृहस्थी छोड़ दी है और सन्यासी होने के बीच का जंगल में रहता है, और लास्ट में जो है अपने जीवन के अंतिम में समस्त मोह त्याग करके सन्यासी हो जाता है और ईश्वर में ही रहकर शरीर छोड़ देता है। ये हमारे यहाँ वर्ण जो व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ कहे गए हैं, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गए हैं कि सन्यास श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे यहाँ अभी तक जो ऋषियों महर्षियों ने जो व्यवस्था दी उसमें उन्होंने सन्यास को
कर्म संन्यास को। संन्यास में निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत से सन्यासी के नियम हैं, आप सब उसको विस्तार से जानते हैं, यहाँ उसका विषय नहीं है। तो संन्यास की अपेक्षा कर्म योग महत्वपूर्ण है, संसार महत्वपूर्ण है, संसार में रहकर कर्म करना महत्वपूर्ण है। ये भगवान ने जब ये सुप्रीम डॉक्ट्रिन दी तो दैट वॉज ए मेजर डिविएशन फ्रॉम दी सेटल्ड वे ऑफ कर्म संन्यास। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट है। सदाकांत अगर जो है बद्रीनाथ की गुफाओं में जाकर संन्यास ले लेता है तो वो कोई विशिष्टता नहीं है, लेकिन सचिवालय में सबको पराक्रम से पराजित कर देता है और 15 साल कलेक्टर रहता है और 20 साल नौकरी करने के बाद सारे लोगों को ध्वस्त करता हुआ लोक कल्याण के कार्य में एकदम अपराजेय रहता हुआ बाहर निकलता है और फिर ईश्वर का की अवधारणा को पुष्ट करता है, वह श्रेष्ठ है। संसार से भागना नहीं, संसार में रहते हुए और संसार को ईश्वर में देखते हुए ईश्वर को साथ लेकर के संसार को जो विजय करता है वह योगियों में महायोगी है, वो साक्षात शिव ही है। परमात्मा किसी वस्तु के सापेक्ष नहीं है, ना मेरी लाल रंग की कोट से, न तुम्हारे बहुत बढ़िया महंगे कपड़े से, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो कफन भी उतार कर नीचे रख देते हैं, ये जो शरीर भी जिसको सजाते बजाते रहते हो तुम लोग, ये शरीर भी तुम अपने देखते हो कि पिताजी का शरीर कैसे जला दिया गया, बोलते कुछ नहीं है। तो यह संसार यद्यपि असत्य है, उस दृश्य से अब तुम देखोगे तो संसार असत्य है, क्योंकि जिस संसार को हम सत्यवत मानकर पालन पोषण कर रहे थे और शरीर को आधार था हुआ, वही शरीर पिताजी का मैंने श्मशान में जला करके देखा कि वो कुछ नहीं ले गए। तो संसार सत्य कैसे है? उनका इंद्रियां बताती हैं सत्य है, हमारी आंखें देखने सत्य है, कान सुनते हैं इसलिए सत्य है, संसार सत्य कैसे है? उन्होंने कहा साहब सारे सब कुछ तो सत्य ही दिखाई पड़ रहा है, आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, इसलिए ये संसार सत्य है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, संसार तेरा सत्य है तो मृत्यु के समय तेरी आंखें क्यों नहीं देखती हैं, मृत्यु के बाद तेरी आंखें क्यों नहीं सुनती, आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, तू बोलता कुछ नहीं है, ठंडक लग रही है, पड़ा है डेड बॉडी और तू ले भी कुछ नहीं जाता, जिस मुकदमे के लिए जिस मकान के लिए मुकदमा लड़ता था, जिस फैक्ट्री के लिए लड़के से झगड़ा हुआ, तरह तरह के मान अपमान संसार में हमने सहे, न वो स्त्री न बच्चे कोई भी, ये शरीर भी श्मशान में जलकर राख हो गया। इसका मतलब ये है संसार असत्य है, उसको सत्य घोषित करने वाली इंद्रियां भी असत्य है, आंखें भी असत्य है और देह भी असत्य है। यह ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान से अगर आप विचार करेंगे तो पिताजी कहाँ चले गए, माता जी कहाँ चली गई, उसी घर को वो भी अपना नेम प्लेट लगाए रहते थे, जब मर गए तो उनका नेम प्लेट उतार के बच्चों ने अपना नेम प्लेट लगा दिया है। तो जिस संसार को हम सत्यवत मानते थे वह सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इस परम सत्य को जानते हुए भी लोगों से कह रहे हैं कि संसार में तुम कर्म करो। तो कर्म तो अज्ञान है, कर्म तो बंधन है। कर्म जितना हम करेंगे, हमारे यहाँ ऋषियों की जो परंपरा उसमें उन्होंने कहा कि आत्मा में कर्म का जो स्वरूप है वह अज्ञान है। अज्ञान माने बांधना, जो नहीं है, सत्य को असत्य जानना और सत्य को सत्य जानना। तो भगवान ने एक बड़ा बारीक डिस्टिंक्शन दे दिया गीता में कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करो, फल तुम्हारा नहीं है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, समस्त कर्म करते हुए उस कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करो। ये एक बारीक डिस्टिंक्शन दे दिया। यह बात लोगों के समझ में ऋषियों को पहले नहीं आती थी कि ऐसा कैसे संभव है, अगर हमको इम्तहान में पास ही नहीं होना तो कहाँ इम्तहान देने जा रहे हैं। लड़का अगर ये सोच ले कि भाई मैं जो फेल ही हो जाऊंगा तो इम्तहान में क्यों देने जाएगा, जबकि फेल हो ही जाता है वो, लेकिन इम्तहान देने जाता है। इसलिए परिणाम के संबंध में ईश्वर ने कहा कि तू परिणाम का डायरेक्ट ओनर नहीं है, परिणाम जो है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, सारा संसार तेरे हाथ में नहीं है, संसार जो है ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि इसका मालिक ईश्वर है।
तुम उसमें कर्म करो, जो रिजल्ट आएगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही, नॉर्मली अगर कोई लड़का पढ़ रहा है तो पास तो होगा ही, लेकिन फेल हो गया है तो उसके बारे में तुम ये कृप मत करो कि तुम क्यों सेकंड डिवीजन में फेल हुए पास हुए। कहने का तात्पर्य है कि कर्म सिद्धांत और कर्मयोग की जो डिस्टिंक्शन यहाँ पर भगवान ने दिया गीता में कि कर्म करते हुए कर्म के फल से डिटैच कर देना तो वो बंधन नहीं होता, इसकी फिर बहुत बड़ी व्याख्या हुई है कर्मयोग की। तो एक तो इसकी उत्पत्ति युद्ध भूमि, कर्मयोग की प्रतिष्ठा, तीसरा यह है कि गीता ये सुप्रीम डॉक्ट्रिन उपाठी, गीता ये सुप्रीम डॉक्ट्रिन, भगवान के ये नहीं है कि अद्वैत शंकराचार्य के मत को समर्थन देंगे या द्वैत मत को समर्थन देंगे या विशिष्ट अद्वैत को देंगे या जितने भी न ईसा मसीह की चर्चा कर रहे हैं ना तो वो किसी मौलाना की चर्चा कर रहे हैं और ना तो किसी मत की चर्चा कर रहे हैं कि वो कहते हैं क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है इसलिए सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं इसलिए समस्त मत मतांतर मेरे ही हैं। भगवान किसी मत की कोई चर्चा नहीं करते, इसलिए समस्त मतों के ऊपर, समस्त इंडियन फिलोसफीज के ऊपर ईश्वर की गीता स्थापित होती है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बॉदर्ड कि व्हाट द लोअर कोर्ट सेड, डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं देखता, उठाकर फेंक देता है, वो कहता है भाई व्हाट नॉनसेंस, 18 साल मुकदमा चला तब तो ये रिजल्ट आया और इसके बाद उसको उठा कर फेंक दिया एक मिनट में। कभी आप सुप्रीम कोर्ट जाके देखिए, वहाँ देखिए एक एक सेकंड में नेक्स्ट नेक्स्ट करते जैसे कि हल कुछ है ये नहीं है। माने गीता इज ए सुप्रीम डॉक्ट्रीन आफ्टर ऑल द इंडियन फिलोसफीज, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफीज। और इसलिए गीता को समझना है तो आपको उस समय की सारी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफीज जो उस समय थी, अगर हम 5000 साल मानते हैं गीता की उत्पत्ति को या भगवान कृष्ण के 5000 साल उनका समय मानते हैं, लगभग एक जैसा कि एक जनरल पार्लेंस में चर्चा होती है, उस समय जो इंडियन फिलोसफीज हैं जो कि महाभारत में थोड़े थोड़े उनके वो मिलते हैं, वह सारी इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज को जब तक आप गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तब तक आप गीता को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गीता एक श्लोक में उस कंप्लीट फिलॉसफी को उद्धृत कर दे रही है। मतलब ही हैज नो टाइम, वो एक लाइन में एक श्लोक में वो पूरा पूरा योग को, जो छठवें में अगर वो पातंजलि योग जो बाद में विस्तृत रूप से आ रहा है, अष्टांग योग आदि आ रहा है, उसको भगवान थोड़े संक्षेप में बता दें कि स्थिर आसन पर बैठो और इस तरह करके ऐसे कैसे करके एक मिनट में उन्होंने, क्योंकि वो समझे कि तो पतंजलि बताएगा ही ठीक से, अपना आएगा लेक्चर देगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर विल मेंशन ओनली, बाकी डिटेलिंग विल बी डन बाय द डिपार्टमेंट। तो यह है उस समय की सारी फिलोसफीज के ऊपर, ये कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज के ऊपर गीता जो है सुप्रीम डॉक्ट्रिन है, ये इसकी विशिष्टता है। चौथी, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, लगती बहुत छोटे कलेवर में है, 18 अध्याय में है, छोटे छोटे श्लोक हैं, आपको ये लगता है कि ये तो हाउ इट विल कवर द होल वर्ल्ड, दुनिया की सारी दर्शनों के सारी बातों को ये भगवान इतने में कैसे समेट लेंगे, तो उन्होंने जैसे समुद्र को गागर में समेट लेना उसी तरह सारी कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज को इसके अंदर समेट लेना, ये गीता की विशिष्टता है। इसलिए आपको ये समझ में नहीं आती है तो इस पर कोई आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, आपकी बौद्धिक और आपकी जो स्थिति है, माने यद्यपि ईश्वर आपके हृदय में सब में विराजमान है, लोग कहते हैं ईश्वर का लोकेशन कहाँ है, तो मैं सबसे कहता हूँ कि ईश्वर की नियरेस्ट लोकेशन इज योर हार्ट, सबसे नज़दीक अगर भगवान कहीं है तो आपके हृदय में है। कबीर आदि संतों ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, और जो है मृग मृग ढूंढ है वन माहे, ऐसे घट में जीव है दुनिया जाने ना। गीता स्वयं कह रही है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति शब्द का प्रयोग हुआ है, तिष्ठति माने फुर्सत से बैठा हुआ है, जैसे आप लोग बैठे हैं बतिया रहे,
माने जल्दी में नहीं है कि अमीनाबाद जाना है मार्केटिंग करने। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। नियरेस्ट लोकेशन मोबाइल, मोबाइल भी अगर मेरे जेब में है तो मोबाइल पकड़ने में टाइम लगेगा, पिताजी को फोन मिलाने में टाइम लगेगा, पिताजी अगर जगे हो फोन उठा ले तब भी टाइम लगेगा। यहाँ तो कुछ करना नहीं, खाली मिस्ड कॉल मारो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे गोपीजन वल्लभ, हे मधुसूदन, गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि आप हृदय में ही हैं, लेकिन आप मेरे संपर्क में क्यों नहीं हैं? मैं तो आपको बुलाता हूं, आप बोलते क्यों नहीं हैं? मेरी तो आप तक पहुंच नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से समावृत, सबके हृदयस्थ होते हुए भी सबको उपलब्ध नहीं हो रहा। नामे विदोहो सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। नामे विदोह सुरगणा, ये इंद्र आदि देवता मुझे नहीं जानते। नामे विदुः सुरगणा प्रभवम् न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मैं देवताओं का आदि कारण हूँ, महर्षियों का आदि कारण हूँ, मुझे ये कोई तत्व से नहीं जानते। मैं अपनी योग माया से समस्त चराचर जगत में व्याप्त होकर के भी सबको प्रकाशित नहीं हो रहा हूं। कैसे प्रकाश, तब हम क्या करें, बच्चे कैसे करें? पिताजी अगर पर्दे की ओट में छिपा हो तो छोटा बच्चा किसको कैसे ढूंढे? मिस्ड कॉल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु कहते हैं आप हृदय में हैं, आपका नाम कृष्ण है, गोपियां आपको इसी नाम से बुलाती थीं, हम भी आपको इसी नाम से बुलाते हैं। भगवान की भक्ति, भक्ति और भगवान का नाम से उसको बुलाने का अभ्यास करो, देखो कुछ दिन ट्राई कर लो, करने में क्या हर्ज है। तुम लोग तमाम जो है खुराफा ट्राई करते रहते हो, ये भी कभी कभी ट्राई कर लो, 6 महीने भगवान के नाम को बुलाने की चेष्टा करो। ये भक्ति है, भक्ति माने ईश्वर है, मेरे हृदय में ही है, निकटस्थ है, वो मेरा सुहृद है और हितैषी है, वही मेरा आधार है, मेरा जीवन है, और वो सर्व सब कुछ है, मैं उसको बुलाऊंगा, उसका नाम स्मरण करूंगा, उसको बुलाऊंगा। बड़ी छोटी सी एक कथा इसमें भक्ति योग की है, गीता के बाकी चर्चा हम लोग करेंगे। नामदेव की एक बच्ची थी, नामदेव के घर में जनाबाई उसका नाम था। नामदेव बहुत बड़े प्रसिद्ध संत हुए महाराष्ट्र के पंढरपुर में, भगवान कृष्ण के उपासक थे। नामदेव के घर में बर्तन मांजती थी, पानी वानी भरती थी, छोटी बच्ची थी। नामदेव ने उसको भगवान विट्ठल का मंत्र दे दिया था, कृष्ण का। वो कृष्ण कृष्ण समझती कुछ नहीं थी,
लेकिन उसको बता दिया कि जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो कृष्ण कृष्ण बुलाया करो, तो वो कृष्ण आ जाता है। बोले आ जाता है, काम करेगा हमारा सब? बोले वो उसकी आदत यही है, उसको शौक ही यही है, वो गोपियों का पानी भरना, यही सब ड्रामा करना, ही इज फॉन्ड ऑफ ऑल दिस थिंग। तो बोले अच्छा, अब बच्ची थी उसके मन में बैठ गई बात, अब वो जो भी काम करे कृष्ण कृष्ण विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक दिन जो है, अब उस भगवान के, भगवान तो सरल हृदय में प्रकट होने में उनको विलंब नहीं लगता है। भोले भाव मिले चतुर रघुराई, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। जो लोग पंडाल लगा के भाषण दे रहे हैं उनसे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, पैसा वो भी कमाए, बनिया पैसा लगा रहा है, गुरुजी भाषण दे रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, मस्त रहो, कृष्ण से लेना देना कुछ नहीं है, ये व्यवसाय है। कृष्ण तो हृदय में विराजमान, जितनी सरलता भगवान के भक्त में जितनी सरलता होगी उतना ही ईश्वर उस पर बहुत तत्काल प्रकट हो जाएगा। भोरे भाव मिले रघुराई और चतुराई न चतुर्भुज पाइए। जो लोग चतुर हैं वो चतुर्भुज को नहीं पा सकते, वो वृक्षों को मिल गया, यमुनार्जुन वृक्षों को भी मिल गया था, है गोपियों को भी मिल गया, वृंदावन के पशु पक्षियों को भी मिल गया, लेकिन बड़े बड़े जो यज्ञ करा रहे थे विद्वान लोग मथुरा के, कंस का, उनको नहीं मिला। तो वह उसको समझा दिया, वो बच्ची थी, वो तब भगवान उसके हृदय से प्रकट होने लगे। कभी वो छोटे से बच्चे होकर के आ जाएं, कभी उसका उसके साथ खेलने लगे, कभी उसके हृदय में प्रकट हो जाएं। इस तरह से परमात्मा को का प्राकट्य जो है कोई अलग से कोई अलौकिक घटना नहीं है, वह अपने भक्त के अतिरेक में, नामदेव की जो दासी बच्ची थी उसके हृदय से खेलने लगे। अब ये जब बात हो गई तो लोगों को पता चल गई, जब भगवान का दर्शन होता है, प्रागट्य होता है, तो ये बात छिपी नहीं रह जाती, लोगों को पता चल गया कि ये तो जनाबाई कुछ विचित्र हो गई है, बच्ची कभी खेलने लगती है, कभी दौड़ करके कृष्ण को पकड़ने लगती है, और लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, वो कृष्ण को पकड़ लाती है। तो एक बार कुछ संतों ने देखने के लिए कि जनाबाई के ऐसी स्थिति कैसे हो गई है, नामदेव के आए, बोले सुना है मैंने तुम्हारे यहाँ बच्ची है, वो भगवान के दर्शन होता है उसको। हाँ बोले, खेल रही होगी कहीं, चलते हैं। गांव में गए तो वहाँ वो दूसरी औरतों से, वो उपले जो पाथे जाते हैं, उपले पाथे जाते हैं, ये गाय का गोबर लेकर उपले पात करके, वो तो उपले पे झगड़ा हो रहा था उसी किसी लड़की से, औरत से कह रही थी कि ये मेरे उपले हैं, वो कह रही थी नहीं। तो संतों ने देखा तो बोला यही है लड़की, बोला ये तो क्या लड़की है, ये तो गोबर के उपले के लिए झगड़ा कर रही है उससे, कर ये मेरे उपले चुरा लिया इसने। तो उन्होंने कहा बेटी यहाँ आओ, तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये उपले तुम्हारे इसने चुरा लिए। बोला अरे इतनी मोटी बात नहीं समझता, बुढ़ा हो गया, अरे जिस उपले में विट्ठल विट्ठल आवाज आ रही वो मेरे है, माने जिस गोबर के उपले में विट्ठल विट्ठल कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही वो मेरे उपले हैं, मैंने हाथ में बनाते बनाते विट्ठल विट्ठल कहा है, इसलिए गोबर में भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही है, अनहद नाद हो रहा है, जिसके हमारे अजप अजप कहा गया है कि जिसमें हम ईश्वर का जप करते नहीं प्रयास पूर्वक, सांसों से स्वतः ओंकार नाद होता रहता है, स्वतः स्मृतियों में, सांसों में ईश्वर की स्मृति हो चलती रहती है, उसको अनहद नाद की स्थिति हमारे यहाँ कही गई है। अजपा कहती बिट्टल बिट्टल जिस उपले में हो रहा है वही तो मेरा उपला है, और ये चुरा ली इसने, कान में देखो लगा के, ये भक्ति है, ये भक्ति है। भक्ति गुप्त करो, शांत मन से करो, दिखा कर मत करो, पाखंड मत करो, प्रचार मत करो, फोटो मत खिंचवाओ, नहीं तो इतनी फोटो खांच खिंचवा के छाप देगा कि तुम परेशान हो जाओगे। जो लोग अपना प्रचार स्वयं करते उसका प्रचार नष्ट कर देता है, और जो लोग अपना प्रचार कुछ नहीं करते उसका डंका बजा देता है आकाश में, पृथ्वी में, चिल्ला चिल्ला कर संसार कहता है प्रहलाद इनका भक्त है, ध्रुव इनका भक्त है, मार्ग एकदम उल्टा है। जो लोग पब्लिसिटी करते हैं उसको ईश्वर निंदित कर देता है, और जो अपनी छिपा करके भगवान की आराधना करते हैं
उसका ईश्वर डंका बजा देता है। जिसको अहंकार रहता है उसका अहंकार नष्ट कर देता है, और जिसको अहंकार कुछ नहीं रहता उसके अंदर अपना अहंकार स्थापित करके उसको श्रेष्ठतम घोषित कर देता है। तो गीता की ये विशिष्टताएं हैं। गीता प्रारंभ कहाँ से होती है? गीता की एक विशिष्टता गुरु और शिष्य का संवाद है। आप लोग अपनी किताब खोलिए, अध्याय 2 का श्लोक 7, थोड़ा पढ़ा भी दें आप लोगों को। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, पेज 27 मिली, पेज 27 देखो, 7वां मिला। अभी तक तो प्रस्तावना है, सब युद्धभूमि की, ये सेनाएं उधर खड़ी हैं, उधर उधर अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन उवाच, वहां से है ये 7वां। कापर्ण्य दोषो यपः स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढचेता यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रोहि तन्मे शेष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यही गीता गुरु और शिष्य में कन्वर्ट हो जा रही है। यही नर नारायण ऋषि, नर ऋषि अर्जुन नारायण अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं। कायरता रूपी दोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला कापर्ण्य दोषा, कहा अर्जुन भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर देते हैं युद्ध में। जब भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र दिया था जंगल में, किरात अर्जुनीयम आप लोग जानते हैं कथा, किरात रूप में भगवान शंकर परीक्षा लेने आए और अर्जुन को मुक्के मार के लिटा दिया जमीन पर। बोले साले लड़ाई करते, बोले भगवान, तब देखा बालुका में शिवलिंग बना करके उसी की आराधना करते थे, डर गए, यक्ष है कौन है ये, तो मैं मार डालेगा। तो जंगल से फूल ला करके उसी बालुका में शिवलिंग पर चढ़ाया, और जब फिर से उठे तो यक्ष फिर से उधर से आ रहा था, तो देखा कि जो अभी उन्होंने फूल चढ़ाए थे भगवान शंकर के बालुका में शिवलिंग पर, वो भगवान की जटाओं में लटके हुए थे, चरणों में गिर पड़े। जिस अर्जुन ने भगवान देवाधिदेव महादेव को संतुष्ट कर दिया, सारे ब्रह्मास्त्र सारे पाशुपत्र उनके पास थे, और युद्ध में कि द्रोणाचार्य को मैं कैसे जीतूंगा, भीष्म को कैसे जीतूंगा, ये लोग तो मैं कर्ण, ये सब मेरे बराबर महाबली हैं। कापर्ण्य दोषा, इनमें कायरता रूपी दोष आ गया कि मैं युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। कापर्ण्य दोषो यपः स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढचेता यश्रेयम् स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं। शिष्यस्तेऽहं, मैं आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए श्रेय हो, जो उचित हो, वो आप मुझे बता दीजिए। मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ कि युद्ध करना ठीक है या नहीं ठीक है। जैसे ही कहा शिष्यस्तेऽहं, शिष्यस्तेऽहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ। हमारे यहाँ जितना भी ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हुई है वह गुरु और शिष्य के संबंध के आधार पर उत्पन्न हुई। गीता भी गुरु और शिष्य का संवाद है। नर नारायण अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, वह तो है ही। जब तक आप सदाकांत को समझते हैं, सदाकांत क्या है, बेवकूफ हैं साले बकते रहते हैं, तब तक हमसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम भी आपको ऐसे समझेंगे जैसा आप हमें समझते हैं, आप भी हमको ऐसे समझते हैं, ऐसे बेवकूफ है तो हम भी समझते हैं साले तुम भी बेवकूफ हो, इट्स ए वाइस वर्सा। जब आप समझते नहीं कुछ है तो कुछ तो बात है, गुरु ने चयन किया है तो कोई ना कोई बात तो है इसमें। जब आपका मेरे प्रति आदर का भाव होगा तो हमारा भी आपके प्रति आदर का भाव हो जाएगा, फिर वह वस्तु आप मुझसे प्राप्त कर सकेंगे।
जो मेरे हृदय में गुरु के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई। कौन गुरु नहीं चाहता कि अपने योग्य शिष्य को अपना सब संपत्ति दे दे? कौन पिता नहीं चाहता कि अपने पुत्र को, अपने योग्य पुत्र को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे? कौन माँ बाप अपने बच्चे को कुछ नहीं, सब कुछ देना चाहता है? बाबा आए, बाबा मिठाई खाओ, कंबल लो, पूड़ी खाओ, भंडारा करो, जाते जाते थक गए कि कोई हमारा योग्य उत्तराधिकारी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को तो लेने ही नहीं आया। हनुमान जी ने दीक्षा किससे लिए? भगवान सूर्य से, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। और इनके इनके आता है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, इनको तुम लोग खाली युद्ध भूमि में लंका में रावण के साथ गदा फदा भाजते साजते इतने समझते हो। अरे भैया बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो, ही इज द बिगेस्ट स्कॉलर एवर। और जब भगवान सूर्य से पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने कहा मुझे आप पढ़ाइए। बोले भैया तू कैसे पढ़ेगा, मैं तो हरदम चलता रहता हूँ, मतलब मेरा रथ हरदम मूवमेंट में रहता है। और तो बोले आप चिंता ना करिए, हम आपके रथ के सामने उड़ते हुए, जितना आपके रथ की रफ्तार होगी उससे उड़ते हुए मुझे आप ब्रह्म ज्ञान देते रहिएगा, मैं सुनता रहूँगा। आई विल लिसन एंड आई विल ग्रेस्प इट। कोई नोटबुक नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं है। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो बाबा आए तो बाबा ने कहा भाई ये तो सब खाली रोज हनुमान चालीसा और पुराना लड्डू रख करके गायब हो जाते हैं। गुरु शिष्य को देना चाहता है, संसार में जिसको भी उपलब्ध होता है वो संसार को देना चाहता है, इसलिए कि लोक कल्याण के लिए वो चाहता है, कि अन्यथा वहां जाके मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तू क्या किया, तूने क्या दूसरों को कुछ बताया, तुझको मैंने ब्रह्म ज्ञान दिया तो तू क्या समझाया लोगों को, ईश्वर मार्ग को ले गया। ईसा मसीह कहते थे, आज 25 दिसंबर है, आज ईसा मसीह का जन्मदिन भी है। क्राइस्ट कहते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे इतने भेड़े दी हैं चराने के लिए, माने इतनी भेड़ मुझे चरानी है, माने जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे शिष्य हैं, उनको उनका पूरा एजुकेशन पढ़ाना और ईश्वर मार्ग तक पहुँचाने का। जैसे एक टीचर को 50 बेवकूफ बच्चों को दे देते हैं प्रिंसिपल की, तो इसको पढ़ाना तुम्हारा काम है, एक को फेल हुए तो तुम जानो, अब वो पढ़बे नहीं करते तो फेल तो हो ही करेंगे। अब टीचर परेशान टेंशन लिए है, वो रोज फिल्म देखते हैं, पढ़ते है, कौन रही है। समस्या ये है कि गुरु, लेकिन गुरु को तो अलाट हो जाएगा क्लास और उतने हो जाएंगे बच्चे अलाटमेंट, वो पढ़ना है पढ़ाना है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ। तो गुरु को भी हमारे यहाँ जो गुरु तत्व में निष्ठित आते हैं उनके संबंध में ईश्वर ये कहता है कि इनको आपको किसी तरह मार पीट समझा बुझा कर इनको बीए पास कराना है, नहीं तो 10 साल से बीए ही फेल हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी नहीं छोड़ता, जाता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो इसको इस बार पास ही कर दो, जहाँ देखा तो डिग्री दे दी, चाहे जाए जितना भी हो जाए कुछ किसी तरह से। शिष्य स्थे हम, अभी गीता की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। तब भगवान के मन में हृदय में करुणा आ गई। नर नारायण ऋषि हैं, दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसलिए नहीं कि मनुष्यों को गीता कैसे प्राप्त होती। अर्जुन इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन वर्ल्ड, संसार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन, और कृष्ण जो है भगवान गुरु के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें कैसे गीता प्राप्त होती, आपको कैसे गीता प्राप्त होती? अगर ये गीता उसी समय केवल दो लोगों के संवाद की बात होती तो आज ये उपलब्ध ना होती, आज ये महनीय ग्रंथ जो आत्मज्ञान का ग्रंथ है वो आज हम लोगों को उपलब्ध ना होता। तो यहाँ से इसलिए इसको मैंने आपको इंगित किया, इसको ध्यान से समझिएगा, गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में आती है। और भगवान सीधे ही उत्तर देते हुए सीधा ही एकदम आत्मज्ञान की बात करते हैं। गीता आत्मज्ञान में आती है, सीधा आती है। तू जो है न सोचने योग्य वस्तुओं को सोचता है, अब भगवान सीधा एकदम आ रहे हैं, उत्तर आत्मज्ञान से देते हैं, कर्म व्यय की बात नहीं कर रहे हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यं स्थाति तिक्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोयम मृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धे येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्ययुक्तस्य यो शरीरिण अनाशिनो अप्रयमेयश्च तस्मात् युद्धस्य भारत यः एनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थो कं घातयति हन्तकम्। अब यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध श्लोक आया गीता का जो सबको स्मरण रहता है। वांसांसि जरडानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जरणान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता आत्मज्ञान के एकदम सीधे प्रवेश करती है। भगवान नो बैकग्राउंड सीधा हिट करते हैं आत्मज्ञान से। क्या बात कर रहे हो, मतलब ये शरीर को उन्होंने कहा वस्त्र है। ये पहली बार भगवान ने इसकी तुलना शरीर के वस्त्र से की है। ऐसी तुलना कभी ऋषियों ने भी नहीं की थी। वांसांसि जरणानि यथा विहाय, ऋषियों ने दूसरे तरह से समझाया है आत्मज्ञान को। जैसे उन्होंने कहा कि तुम इस कमरे में बैठे हुए हो, कमरा नहीं हो, तुम कपड़ा पहने हुए हो, कपड़ा नहीं हो, कोट पहने हो, कोट नहीं हो, मछली पानी में रहती है लेकिन मछली पानी नहीं है, अग्नि लकड़ी से उत्पन्न होती है लेकिन अग्नि लकड़ी नहीं है, दोनों में महान अंतर है। उसी तरह से इस शरीर में स्थित परमात्मा इस शरीर से बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय है। वह परमात्मा इस शरीर में है लेकिन वो शरीर ही नहीं है। मृत्यु के समय ये शरीर मिट्टी हो जाता है, लोग कहते हैं मिट्टी हो गया, लेकिन इसमें से निकल करके वो क्षेत्र के जीवात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजह नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वही सच्चिदानंद शिव स्वरूप जो क्षेत्रज्ञ है, वही कृष्ण है, वही शिव है। इसलिए अपने सच्चिदानंद स्वरूप का निरंतर अनुसंधान करो। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब कोई परिचय पूछे तो बताओ मैं सच्चिदानंद शिव हूं, लेकिन जब परिचय होगा तब न बताओगे। उसे मुलाकात नहीं है तो कैसे कहोगे कि मैं शिव हूं। तुम तो हर दफा ऐसे फैट लिए रहते हो, कपड़ा टाई हुई टांग करके घूमते रहते हो। जब कोई पूछेगा तो मैं हो फलाना, मैं तो ये आई एस अफसर था, मैं फलाना था, मैंने वो करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, झूठे फोंकते रहते हो। उतार के कपड़ा रखवा दिया जाएगा, कहाँ गया, कुछ नहीं। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपने सच्चिदानंद अजर अविनाशी स्वरूप का स्मरण करो, वही तुम हो। बृहदारण्यक कह रहा है श्वेत केतु तत्त्वमसि। हे बेटा श्वेत केतु, तुम वही हो। माने वही कौन? वही तत्त्वम। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही नारायण हो, तुम ही मधुसूदन हो, जनार्दन हो, जिसको तुम बुला रहे थे वो तुम ही हो। विस्मृति हुआ कैसे ये सब खेल? बुला रहे अपने पिताजी को, पिताजी वही दरिये बैठे हैं, इसलिए कि विस्मृति दिमागवा गड़बड़ा गया तो बापों को नहीं पहचानते। विस्मृति
संसार की स्मृति इतनी अधिक बढ़ गई है कि ईश्वर की विस्मृति हो गई। संसार जो मोह है इतना अधिक बढ़ गया कि विस्मृत हो गया। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं कि हमारा कान हमारे दिखाओ, अरे भैया तू हार का नमा तो हरे और छू लो। तुम कहते हो आंख दिखाओ, तुम्हारी आंख तो अपने नहीं देख रहा, पड़ोसी बताएगा तुम्हारी आंख यहाँ है, गुरुजी बताएंगे कि सदाकान तुम कहाँ हो। अरे भैया गुरुजी का प्रदान कर रहे थे, तुम ही देख लो अपने कि तुम कहाँ हो। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसलिए दोनों तत्वों को अच्छी तरह समझ लो। एक ये पंचभूतात्मक जो संसार है, शरीर है वहां, और इसके अंदर बैठा हुआ चैतन्य परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ और अविनाशी जीवात्मा कहा जा रहा है, जिसके कारण यह शरीर चेष्टा कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, डोल रहा है, उस चैतन्य को जो शरीरी नहीं है, जो देही नहीं है, जो अजर और अविनाशी है, जिसकी जन्म और मृत्यु भी नहीं होती, जिसमें न भूख है न प्यास है, इसको सांख्य दर्शन में जब हम लोग इसकी कभी चर्चा करेंगे तो बहुत, गीता पर तो महीनों महीनों हम लोग बैठे हैं और चर्चा करते रहे, आप लोग फुर्सत से खा पी के आवे सुनते रहे तो वो, लेकिन उतना न टाइम आपको मिलेगा न हमें मिलेगा, हम तो अपना बैरागी। तो कहने का तात्पर्य कि दोनों तत्वों को जब तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे तो गीता पहले आत्मज्ञान में प्रवेश करती है। इसके बाद दूसरे तरीके से भी कहते हैं, कहते इसको आश्चर्यवत, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयं मदायोऽयं अक्लेद्यो असोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। नित्य नित्य सर्वगतः, आकाश की तरह, जैसे आकाश की कल्पना थोड़ा थोड़ा करिए, हमारे यहाँ आत्मा को की कल्पना आकाश की तरह ऋषियों ने कही उपमा देने के लिए। यद्यपि वह आत्मा इस आकाश का भी कारण है, आकाश तो जड़ है, पंच महाभूत है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, आत्मा का स्वरूप इतना विस्तृत है, परमात्मा का स्वरूप इतना विस्तृत है, उसमें न जन्म है न मृत्यु है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, किसी काल में न उत्पन्न होता है न किसी काल में जन्म लेता है। जीवात्मा के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में, इन समस्त शरीरों में वही परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है। एकमात्र परमात्मा ही अपनी विभूतियों के रूप में, संसार के रूप में भी प्रकट हो रहा है, यही उसकी योग माया है, उसी से वह अनंत रूपों में भाषित हो रहा है, उसी माया से ईश्वर ढका भी हुआ है, उसी से वह समझ में भी नहीं आ रहा है, उसी की वजह से भगवान बार बार हमें समझा रहे हैं तब भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसको लोग आश्चर्यवत, कोई सुनता है, कोई आश्चर्यवत देखता है, कोई सब सुन समझ कर भी नहीं समझ पाता। आपको हम इसी तरह से समझाते रहे, बुढ़े हो जाओगे तब भी आत्मज्ञान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जन्म जन्म करोड़ों जन्म में भी गुरु समझाते रहता है तब भी आत्मज्ञान का उदय नहीं होता। कारण वह है ही इस तरह इतना दुरूह, जब तक बुद्धि और चित्त की वासनाएं पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो जाती हैं, लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। पूछो साधुओं से, भैया तुम इतनी जटा बढ़ा के कर क्या रहे हो? बोले हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। माने जैसे कोई खोया हुआ हो। अरे बेवकूफ, तुम अपने को ढूंढो, ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो? ईश्वर दृश्य नहीं, दृष्टा है। दृष्टा समझ रहे हो? दृष्टा माने जो सबका कारण है उसको हम ढूंढ रहे हो। जैसे हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, हम कह रहे हैं उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, यहाँ उल्टा है। अरे उस ईश्वर के कारण यह देह है, उसी के कारण महत्तत्व है, उसी से जो है वो मन है, उसी से चित्त है, उसी से अहंकार है, उसी से पंच महाभूत है, उसी से सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, उसी से पंच ज्ञानेन्द्रियां, उसी से पंच कर्मेंद्रियां, उसी से यह देह चतुष्टय और विराट शरीर परमात्मा का दिखाई पड़ रहा है। वह इसका अनुगत और आधार है,
तुम उसको ढूंढ रहे हो। अरे भैया तुमको वो ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ बहुत से लोग करते हैं ना, ध्यान करते सुबह 4 बजे, पूछते क्या कर रहे हो, बोले ध्यान कर रहा हूँ। किसी का ध्यान कर रहे हो? तो बोले कि मैं कैसेट लगा देता हूँ और गुरुजी ने जो उपदेश किया वही सुनता हूँ। अरे बेवकूफ, फिल्म बंद करोगे तब पर्दा दिखाई पड़ेगा, जब तक फिल्म चालू है तब तक फिल्म की जो उसी पर्दे पर ही तो फिल्म दिखाई पड़ रही है। आप मेरी बात समझ रहे? ये जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा गहराई से समझिए। लोग ईश्वर को कहते हम ढूंढ रहे हैं। वियोगी पड़े जोगी पड़े वियोग, कहें घर दूर है। कबीर बड़ा ठेठ करता था ना, ठेठ भाषा में अपना बोलता था, आत्मज्ञान वगैरह तो लोग उसको मारने दौड़ते थे। जोगी पड़े वियोग, कहें घर दूर है, और पास ही बसत हुजूर और तू चढ़त खजूर है। तो यही बैठा हुआ तू साले खजूर पे घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो कि भैया कहाँ हो। जो परमात्मा सर्वत्र सबका दृष्टा है, सबका कारण है, इसलिए हमारे यहाँ जब योग की बात चलती है पातंजलि योग में तो वो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। तात्पर्य यह है कि जब हमारा मन शांत हो जाता है, समस्त इंद्रियां शांत हो जाती है, तो समस्त प्रपंच और विचार शांत हो जाते हैं, तो सब कुछ शांत होने पर जो शेष रहता है वही सबका कारण वह परमात्मा है। वह किसी आंख से देखने का विषय नहीं है, आंख उसको देख नहीं सकते, मन और बुद्धि उस पर कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। कारण यह है कि वह दृष्टा है, दृश्य नहीं है। दृश्य होता तो हम देख लेते, फिल्म होता तो फिल्म देख लेते, फिल्म जिस पर्दे पर दिखाई पड़ रही है वो ईश्वर है। इसलिए सब कुछ शांत करके जब सब कुछ उपराम हो जाए और तुम्हारे वासनाएं शरीर के हृदय की निवृत्ति हो जाए, भगवान का नाम लेते लेते लेने ने, तब वह हृदयस्थ परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप से प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दे देगा। इसलिए वह शरीर में रहते हुए भी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ये आत्मज्ञान है, इसको तुम लोगों को इसलिए थोड़ा सा पढ़ा दिया कि कभी कभी पढ़ना। इसके बाद ये गीता आगे चलती है, थोड़ा सा हम आगे करके, समय भी है कम है। दूसरा में रहता है, दूसरे में कई भगवान ने इसमें दो तीन बड़े अच्छा श्लोक भी दिया है कर्म के सिद्धांत का। एक तो लिख दिया समत्वम योग उच्चते, दिवाकर जो लोग कर्मयोगी हैं उनके लिए समत्वम योग उच्चते, माने कर्म करना है लेकिन फल से कोई प्रभावित नहीं होना है। लड़ाई करने गए थे, अगर उसमें चोट लग गई तो कोई टेंशन नहीं है, इम्तिहान देने गए थे फेल हो गए तो IAS के लिए तैयारी कर रहे थे नहीं हो पाए कोई बात रही। समत्वम योग उच्चते, भगवान ने जो यहाँ कर्मयोग के संबंध में परिभाषा दी है, वो योग की बहुत सी परिभाषाएँ गीता में आती हैं, उसमें कर्म के संबंध में समत्वम योग उच्चते कहा है, माने तुम अपना काम करो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जय आ जय, इस तरह की बातें। पातंजलि योग में ध्यान के संबंध में आया है चित्त वृत्ति निरोध, वहां योग उस संदर्भ में आया है, यहाँ कर्मयोग के संबंध में आया है। तो इससे दूसरा भगवान ने इसी में आगे जब पढ़िएगा श्लोक है, योग है कर्म सुकौशलम, ये हम लोग के IAS अकेडमी में इसका यही हम लोग का स्लोगन भी है, योग है कर्म सुकौशलम, पेज 40 और ये जो है श्लोक इसका 50 दूसरे का बाद में पढ़ना, सब बता दे रहा हूँ मोटी मोटी बातें। दो इसमें आया है, योग है कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्चते, कर्मयोग की प्रतिष्ठा। इसके बाद चौथे में, तीसरे में फिर कर्मयोग का ही है, चौथे में भगवान ने अपने अवतारों के संबंध में आता है भगवान का, जब वो कहते हैं मैंने इसको पहले सूर्य को बताया था फिर इनको बताया था, तो उन्होंने अर्जुन कहता है भगवान आप तो अभी जन्म लिए, सूर्य तो बहुत पुराने हैं, आप कब सूर्य को बताए थे? तो बोले साले बेवकूफ आदमी, तुमको यही तो बात है, तुम समझते नहीं, तुम समझते हो कृष्ण नाम का कोई शरीर है जो अभी पैदा हुआ है। तब वहाँ पर भगवान जो है अपने अवतार के सिद्धांत को, उसको 2-3 श्लोक बड़े अच्छे उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक विहंगम दृश्य आपको मिल जाएगा।
लिखे हैं कि बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन पेज 62 तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेथ परंतप। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम उन जन्मों को नहीं जानता, मैं सब जानता हूं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामात्म मायया। मैं अज हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चराचर जगत का कारण हूं, मेरा जन्म और मृत्यु नहीं होते। समस्त भूतानाम ईश्वरोपि, मैं समस्त जीवात्माओं का ईश्वर हूं। ईश्वर माने मालिक, माने ये सृष्टि क्या मजाल है जो मेरे बगैर हिल जाए। आप कहते हैं मैं क्यों ईश्वर की आराधना क्यों करूं, पत्ते का भी हिलना होगा ना, तो हिल नहीं सकता, वो खड़ा पूछेगा कि भैया हिले। जहां पत्ता भी नहीं हिल सकता जिस परमात्मा के आदेश से, उसी की आराधना करो, उससे तुम्हें भी वही शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो ईश्वर को प्राप्त है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामात्म मायया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, मैं महेश्वर हूँ। इसके बाद भी अपनी सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा सा मेरे अवतार हो जाते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं, ट्रेन आ जाती है तो बैठ जाते हैं बंबई जाने के लिए, नहीं तो प्लेटफार्म में खाली रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। भगवान का प्राकट्य कैसे हो रहा है? वो एक तरफ वो निराकार है, सर्वत्र सब समय व्याप्त है, लेकिन वो कृष्णावतार लेता है, कृष्ण बनकर आता है। तो सृजामि लिखा है, मैं स्वयं अपना सृजन करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। मैं स्वयं अपना सृजन करता हूं, माने मैं स्वयं अप्रकट से प्रकट हो जाता हूं, मैं निराकार से साकार भी हो जाता हूं। इसका तात्पर्य नहीं कि जब मैं साकार हो जाता हूं तब निराकार नहीं रहता, निराकार और साकार समस्त रूपों में उस समय भी मैं अपनी महिमा से ही विद्यमान रहता हूं। यह नहीं कि कृष्णावतार हो गया तो विष्णु तत्व ही नष्ट हो गया, फिर आता किस लिए हूं मैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, लोक कल्याण के लिए। परित्राणाय साधूनां, ये तो साधु खाली पूरी खाएंगे, कमंडल ले घूमेंगे, मार खाएंगे, कुछ कर ना पाएंगे, तो उनकी रक्षा के लिए विनाशाय च दुष्कृताम। सुदर्शन चक्र और गदा हरदम पिछवाड़े रखी रहती है, कंधे पर फरसा लटका रहता है। युद्ध महोत्सव, जिस ईश्वर को युद्ध उत्सव लगता है, दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ेंगे तो उसमें शब्द का प्रयोग किया गया है मान के लिए। युद्ध जब महिषासुर का वध करती हैं तो लिखा है तस्मिन युद्ध महोत्सवे, उनके लिए उत्सव कोई जबरदस्ती लादा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्सव हाया आवाज काट काट के सालों को एकदम बर्बाद कर दे गए, रक्तपान कर रही हैं, चराचर जगत में व्याप्त होकर के अपनी भुजाओं से, हजारों हजारों भुजाओं से आकाश को पृथ्वी को आच्छादित कर ले रही हैं। तस्मिन युद्ध महोत्सव, जब उसकी इच्छा होती है तो वो इस सृष्टि का सृजन करता है, जब गुस्सा आ गया तो फिर ये सृष्टि को ऐसे निचोड़ करके फेंक देता है जैसे लड़के जो है वो खिलौना को तोड़ फोड़ कर गुस्से में फेंक देते हैं अपने बाप के ऊपर, ले कैसा खिलौना लाया था जो टूट गया तुरंत, तब उस समय वो महेश्वर होते हैं।
इसलिए यह सृष्टि परमात्मा के अपने बैलेंसिंग सिस्टम से चलती रहती है, इशारे पर चलती रहती है। उसमें कोई बड़े अवतार होते हैं, कभी छोटे अवतार होते हैं, कभी कृष्णा अवतार, कभी रामा अवतार, बड़े अवतार होते हैं, कभी छोटे मोटे होते हैं, उतने से काम चल जाएगा। जितनी जाड़ा होगी उतने कपड़ा पहनता हूँ, अभी गर्मी आ जाएगी तो कुछ नहीं, तब खाली गंजी पहनेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मानेति मामेति सोऽर्जुन। भगवान के अवतार की बात कही गई। अब यहां पर फिर कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये भी आया, क्योंकि कर्मयोग की प्रतिष्ठा भगवान कर चुके हैं, इसको जान लेना चाहिए। यहां पर एक श्लोक तो आया है लेकिन भगवान ने इसकी व्याख्या नहीं की है। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति, अंडरलाइन कर लो। अब हजार हजार जन्म मेरे हो चुके हैं, हजार जन्मों में कितने कितने में काम कर चुका हूँ, क्या क्या कर चुका हूँ, उसी से ये शरीर मेरा बना हुआ है। उन कर्मों के संग्रह से प्रारब्ध कर्म संकृत हो गए हैं। गहना कर्मणों गति, उन कर्म को कौन जान पाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ केवल संकेत मात्र किया है, इसका बहुत विस्तार से भागवत आदि ग्रंथों में, दूसरे पुराणों में इसका वर्णन है। पांडे जी इस पर, क्योंकि जब कर्मयोग की चर्चा होगी तो उसमें कर्म क्या है या कर्म क्या है, मोटा मोटा आपको हम ये बताते हैं। कर्म का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विहित कर्म है वो कर्म है। कर्म माने जो आपको करना चाहिए, विच हैज बिन प्रेस्क्राइब्ड, विच हैज बिन अलाउड, जिससे कल्याण होगा वो कर्म है। शास्त्र जो है, वेद जिसकी आज्ञा देते हैं, शास्त्र आज्ञा देते हैं, गुरु आज्ञा देते हैं, पिता आज्ञा देता है, माता जिसको कहती करो, वो कर्म है। कर्म का अभाव जो है वो कर्म है। कर्म का अभाव, अकर्म अमाने नहीं, अकर्म माने कर्म का अभाव हो जाना। सन्यासी कहता है हमें कोई कर्म अब नहीं शेष रह गया, इसलिए अकर्म स्थिति में रहता है, अकर्म है वो। तीसरा है विकर्म माने विरुद्ध कर्म करना। पिताजी ने तो कहा था स्कूल जाना और पढ़ना, वहाँ गए सीधे पिक्चर हॉल में, टिकट लिए, पिक्चर हॉल बैठ के देख रहे, क्लास छोड़ दिया पूरा। पिताजी ने जो कहा था वो नहीं करना, वो विरुद्ध कर्म है। कहा था मर्डर मत करना, लेकिन जाके रिवॉल्वर खरीदे और पहले जाके ठाए ठाए तीन लोगों को मार के चले आए, ये विरुद्ध कर्म हो गया। तो विरुद्ध कर्म का तात्पर्य है कि जो कर्म, बैठो दर्शन कर लो, जो कर्म शास्त्र विरुद्ध हैं और जो अकल्याणकारी हैं, वे विरुद्ध कर्म जो हैं वो विकर्म के रूप में संकेत किए गए हैं। यहाँ भगवान ने केवल इतना ही कहा, उसके बाद आगे उसकी चर्चा और विस्तार से की है। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सब जो इसी तरह से आते हैं, इसमें पातंजलि योग आदि की भी बात भगवान करते हैं। सातवें में अपनी पराविद्या, जीवात्मा क्या है, सांख्य दर्शन की शुरुआत सातवें अध्याय से हो जाती है। सांख्य दर्शन की जो शुरुआत है वो सातवें से हो जाती है। कारण रूप से भगवान की व्यापकता और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति, ये सब सातवें से होती है। आठवां जो है, जो आठ नंबर आता है, सातवों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आठवां जो है, ये आठ नंबर हमारे यहाँ जो न्यूमरोलॉजी में है वो नंबर ऑफ डेथ है। देवी का भी नंबर है ना, आठ नंबर माँ का है, वो संहार। एट इज ए नंबर ऑफ डेथ न्यूमरोलॉजी में। तो गीता भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से चलती है। आठवें अध्याय में भगवान ने मृत्यु की विवेचना की है। आठवें में मृत्यु क्या है, आध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, और देवयान, पितृयान, किस मार्ग से मृत्यु होने पर जीव जो है मुक्त अवस्था को होता है, किसके होने से वह वापस लौटता है, इस तरह का इसमें आता है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का सा तात्पर्य जो आठवें में, वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म संज्ञक है। कृष्णम अध्यात्मम, अनंत योनियों में जो अनंत जीव हैं वो आध्यात्म कहे गए हैं।
अखिल कर्म जो है उत्पत्ति स्थित और प्रलय आदि के सभी क्रियाएं जो अखिल कर्म के संबंध में कही गई हैं अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत अधिभूत नाम से इंगित किया गया है। अधिदैव मन सब मन और सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं सहित ब्रह्मा आदि का जो जो कहना कहा जा रहा है वह यहाँ अधिदैव है। अधिदैव माने ब्रह्मा जी के सहित समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के लिए अधिदैव शब्द का प्रयोग ईश्वर ने किया है। अपने शरीर सहित संपूर्ण चराचर जगत में जो भूत समुदाय जो जो शरीर कहा जा रहा है उसका जो इंडिकेशन है वो अधिभूत के रूप में कहा गया भगवान ने इसमें कहा है। अधियज्ञ जो है अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा ही इस शरीर का भोक्ता है उसका मालिक है वो अधियज्ञ के रूप में कहा गया है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करता कौन है, भोजन पचाता कौन है, वह भोजन अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, प्राणियों के देह में मैं ही उस भोजन को पचाने के लिए वहां बैठा हुआ हूं जठराग्नि के रूप में। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर नाम का अग्नि हूं। अब यहां पर जो यज्ञ भोजन रूप यज्ञ किया जा रहा है वह विष्णु रूप वैश्वानर परमात्मा को उसको आहुति दी जा रही है। इस तरह यह अधियज्ञ है। टोटेलिटी में इसको समझने का है। आठवां जो है इसकी फिर इसमें पितृयान देवयान है। छः महीने का जो ये दक्षिणायन जब भगवान सूर्य रहते हैं तो जो चंद्रमा अभिमानी देवता है रात्रि अभिमानी देवता है उसमें गए हुए लोग फिर आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तना अर्जुना ये वापस लौटने के हैं। और जो उत्तरायण के हैं सूर्य के हैं दिन का अभिमानी देवता है उसमें गए हुए पुण्यात्मा वो आते हैं। कैसे शरीर छोड़ते हैं योगी उसका वर्णन है। फिर भगवान ने कहा कि भाई जो लोग ये सब कर लें भगवान के भक्त हैं हम लोग तो कुछ करते नहीं रजाई में वो लेटे लेटे भले कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं तो हमारा क्या होगा, हम तो कोई योग भी नहीं करते, मरने के लिए हमें टाइम का भी पता नहीं है, यमराज कब आके खड़े हो जाए दरवाजे पर घंटी बजावे लेक चल दें। तो उसमें उन्होंने भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने उसके लिए कहा नहीं नहीं ये तुम वो यमराज की हिम्मत नहीं है वहाँ आने की, उसको तुम्हें लेने के लिए तो हम ही आवेंगे, यमराज वहाँ कहाँ आएंगे। क्योंकि इसके पहले उन्होंने भगवान ने ये बताया कि कैसे योगी शरीर छोड़ता है मतलब अपना उसका विधान इसमें लिखा है। तो हमने उनसे पूछा कि भगवान हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो यमराज को देखते ही घबरा ही जाएंगे पहले। तब उन्होंने एक श्लोक भगवान ने अपने भक्तों के लिए कह दिया बच्चों के लिए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। पेज 111 पर देखो, पेज 111 अध्याय 8। इसलिए तुम लोग समझा दे रहे हैं कि तुम लोग टेंशन ना लो, टेंशन गया पेंशन लेने, ध्यान से सुनो मेरी बात। पेज 111 देखो, ये सुपर डॉक्ट्रिन है भगवान का, भगवान के वाक्य है ये। श्लोक देखो नीचे वाला है, देखा मिला। इसके पहले भगवान उन योगियों को बता रहे हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमय पेति देव्यम यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति अज्ञतयो वेतरागा यदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहणेन प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आसितो योगधारणाम् ओमेतेकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामुरस्मरन् य प्रयाति तजन् देहम् स याति परमां गतिम्। योगियों के लिए इतना टेक्नोलॉजी है ये, इस तरह से जब बढ़ो तब स्पुतनिक जाके चंद्रमा की सैटेलाइट पे पहुंचेगा। तो हम लोगों ने कहा भगवान हम तो ये कुछ कर ना पाएंगे,
तब ये श्लोक आया। अनन्य चेताः सततम् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययोक्तस्य योगिनः। ऊपर वाले योगियों को तो कहा कि जो कभी कभी टेम्परेरी योगी है, ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हुए तुम लोग तो रोजे रामे राम चिल्ला रहे हो, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं कहीं बाहर से थोड़ी आऊंगा, मैं तो वहीं बैठा हूं, घंटी भी बजाने की जरूरत नहीं है, महाराज को तो ऐसे कई बार मैं कई लात मार चुका हूं। भगवान मार्कंडे की कथा आप लोगों को मालूम ही है। मार्कंडे जी की आयु बहुत कम थी, 8 वर्ष की आयु थी, पिताजी ने बता दिया। अब वो उन्होंने कहा भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की आराधना करते थे, वह दिन भी आ गया, 8 वर्ष की आयु का वह दिन आ गया जिस दिन उनकी मृत्यु होनी है, उस दिन भी वो शिवलिंग को पकड़ करके भगवान का नमः शिवाय जपे जा रहे हैं। तब तक जो है यमराज की छाया दिखने लगी, यमराज आ गए, समय का उल्लंघन न कर नहीं सकते, चेलों को भेज नहीं सकते क्योंकि मार्कंडे जी ऋषि हैं, तो स्वयं आए और जैसे ही उन्होंने देखा कि टाइम हो गया एकदम सेकंड में, तो उन्होंने अपना यमपास जो है ऐसे फेंकने के लिए, तो मार्कंडे बच्चे हैं 8 वर्ष के, देखा काली छाया डर गए, तुरंत चिल्लाए बचाइए भगवान बचाइए बचाइए बचाइए, और जैसे ही उन्होंने यमपास यमराज ने भेंग अभी फेंका और अभी उनके गले में नहीं पड़ा था, तब तक शिवलिंग से भगवान का सगुण प्रागट्य हो गया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने प्रकट होकर के अपने एक लात जो है यमराज की छाती में मारा, यमराज चौक भैंसा सहित गिर पड़ा पूरा, जैसे मेजर एक्सीडेंट ट्रक का होता है, और एकदम से क्रोधित हो गए। यमराज किसी तरह खड़े होकर हाथ कांपने लगे, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब मार्कंडे मेरी आराधना करता हुआ यहां बैठा हुआ है तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यमपास फेंकने की। उन्होंने कहा भगवान ये तो आप ही की व्यवस्था है, अब इनकी मृत्यु का समय आ गया था, अब ये हम अगर अपना हम तो ड्यूटी बजाने आए हैं, हम तो थाने के सिपाही हैं, हम तो हमें जो वारंट कोर्ट का है वो इस तरह कर देंगे। बोले साले कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ी कोर्ट मैं ही हूं। उन्होंने कहा आज से अब मैं मार्कंडे को अपनी आयु प्रदान करता हूं। मार्कंडे की आयु कितनी होगी, जितनी देवाधिदेव महादेव की आयु होगी, मैं मार्कंडे को अजर अमर अविनाशी बना देता हूं। यमराज तुमसे पूछ करके आज्ञा लेकर के सृष्टि रचना का कार्य करा करेंगे। महर्षि मार्कंडे आज भी जीवित हैं, ओंकारेश्वर महादेव के उपासना के लिए आते रहते हैं, नर्मदा के किनारे, ये सब आदि ऋषि हैं जिन्होंने भगवान विष्णु की माया के दर्शन करने की बात कही थी। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने समस्त नियमों का उल्लंघन करता है, भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेता है, वह अपने नियम जो पंडित जी जितना बताएं वो सब सुन लो, लेकिन जितने गोपियां कोई कुछ भी नियम नहीं मानती थी, उनको कृष्ण के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए जो भी समझाई वो उसको कोई मतलब नहीं था, कृष्णाकार वृत्ति में गोपियां कृष्ण हो गई थी। ईश्वर की आराधना करते हुए महाभक्ति में भगवान स्वयं हो जाओ, फिर मृत्यु आदि की चिंता न करो, एक्सीडेंट की चिंता न करो, इंश्योरेंस करवा लो और आनंद से घूमो फिरो मौज करो, सावधान रहो लेकिन यह है कि डरो नहीं। इस तरह से भगवान ने 8वें में, 9वां अध्याय बहुत सुंदर है, 9वां अध्याय को 2-3 चीज़ें और बहुत गूहे भी है यहाँ पर, बीच बीच में गीता में कुछ श्लोक ऐसे आए हैं कि उसकी व्याख्या करने में पूरा ऋषियों के भी खट्टे हो गए दांत। राजविद्या राजगुह्यम, भगवान कह रहे हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इति अनुत्तमम
प्रत्यक्ष गावहम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यव्यम अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्याश परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अब ये तीन श्लोक एक साथ आए हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिए पांडे जी। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सबस्थितः। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सबस्थितः। पहली लाइन तो साफ ही है, ठीक है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, यदि संसार की सत्ता है तो संसार जो सत्य रूप से भासित हो रहा है अज्ञानियों को, उसमें मैं अविनाशी परमात्मा, उस संसार में मैं व्याप्त हूँ, अव्यक्त मूर्तिना। यही ईशावास्य उपनिषद भी कह रहा है, इसलिए इसमें समझने में आसानी है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्। ईशावास्य कह रहा है कि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब में ईश्वर व्याप्त है, वो ईश्वर ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, उपनिषद कह रहे हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बाबा कह देते तुलसी रामायण में कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। दुनिया भर की तो बातें हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, लेकिन हम तो कुछ नहीं जानते। सिया राम मैं सब जग जानी, जे दुई झापड़ मार के गैर वह सिया राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। भगवत दृष्टि, महाभागवत की जो दृष्टि है, भागवत में अंतिम समय में जो भगवान ने उपदेश किया है वो यही कहा है महाभागवत में कि सब कुछ परमात्मा ही है, उसे सब कुछ कृष्ण समझ करके इसी अब तरह से अपनी बुद्धि का अभ्यास करो। तो यहां पर ठीक हो गया, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सुवस्थितः। ये सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं। मस्थानि सर्वभूतानि माने परमात्मा में ये सब जीवात्मा, हम लोग सब परमात्मा से में ही स्थित हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब थोड़ा पेच मार दिए, मस्थानि सर्वभूतानि, ये तो ठीक हो गया कि भाई सारे जीवात्मा मुझ में, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। फिर दूसरा श्लोक और कंफ्यूज कर दिए, अभी तो कहा था कि मस्थानि सर्वभूतानि, और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगम ईश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभामनः। एक श्लोक में कह रहे हैं कि मस्थानि सर्वभूतानि, और दूसरे में कह रहे हैं कि न च मस्थानि भूतानि। एक में कह दिया कि सारे जीव मुझ में स्थित हैं, और दूसरे श्लोक में कह दिया कि ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। कंट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट। ये तीन श्लोक ऐसे हैं जो बड़े बड़े व्यास जी को भी, जब व्यास जी ने लिखा है तो गणेश जी चक्कर खा गए, बोले का ये सब लिखा रहे हो, समझ ले थोड़ा। बोले जाइए लड्डू उड्डू खा के पानी पी के आइए। गणेश जी लड्डू खा के पानी पी के आए तब भी ना समझ पाओ। ये तीन श्लोक हैं जो मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सबस्थितः। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मैं ही संसार का कारण हूँ,
इस संसार की मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित है और मुझ में विलीन हो जाता है, इसके बावजूद भी मैं इस संसार में, मेरा योग ईश्वर देखो कि ये मैं संसार में स्थित नहीं हूं। माने संसार परमात्मा में है लेकिन परमात्मा संसार में नहीं है, और दूसरी पार कह रहे हैं कि ये संसार भी मैं ही हूं, ये सब संसार मुझ में ही स्थित है। तो मया तत्मिदं सर्वं जगत, संसार को जब योगी सत्य समझता है, अज्ञानी लोग संसार को सत्य समझते हैं हम लोग, तब ये सब मान लीजिए कि ये परमात्मा उस संसार में सत्यवत है, क्योंकि हम संसार को सत्य मानते हैं, इसलिए संसार की सत्यता तो तभी आधारित होगी जब ईश्वर भी हो साथ में। ईश्वर अगर नहीं है तो संसार है ही नहीं। इसलिए जो अज्ञानियों के लिए, जिनके लिए संसार सत्य है, उनके लिए ईश्वर उस संसार में व्याप्त है और सत्य है, उसके लिए ये श्लोक है, मस्थानि सर्वभूतानि ईशावास्यम यदम मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। और जो लोग महायोगी हैं, जो संसार में ईश्वर के अतिरिक्त संसार को त्रिकाल असत्य मानते हैं, संसार त्रिकाल असत्य है कि जागृत स्वप्न सुसुप्त किसी काल में संसार की सत्ता है ही नहीं, वो सदैव जागृत अवस्था में भी निर्विकल्प समाधि में ही रहते हैं, उनके लिए न च मस्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ईश्वरम। वो जो निरंतर आत्मस्त है, संसार त्रिकाल असत्य है, उसके लिए न जीव है, न जीव भूत है, न संसार है, इसलिए केवल एकमात्र परमात्मा ही। दोनों यही भगवान की माया है। जो योग माया ज्ञानियों के लिए केवल संसार को त्रिकाल असत्य घोषित कर रही है और संसार में केवल परमात्मा को ही सत्य घोषित कर रही है, वही अज्ञानियों को संसार सत्यवत भास रही है, और परमात्मा की सत्यता को भी संसार की सत्यता से साथ साथ जोड़ दे रही है। जो अजन्मा है उसका जन्म बना दे रही है, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसकी मृत्यु हो रही है, जो है ही रही किसी काल में उस संसार को सत्यवत भासित करा रही है। इस तरह से भगवान की योग माया ज्ञानियों के लिए संसार को सत्यवत और ज्ञानियों के लिए त्रिकाल असत्यवत भासित हो रही है। इसको रोज आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे समझने की, क्योंकि ज्ञान जो है वो विचार प्रधान दर्शन है। यह एक बार समझ में नहीं आएगा, इसको श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना, फिर इस पर चिंतन करते रहना, सोचते रहना, फिर अपने हृदय से मैं ईश्वर से गुरु से बातचीत करते रहना, तब धीरे 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 जा करके फिर ये बात तब क्लियर समझ में आ जाएगी। अब इसको उदाहरण देने के लिए तीसरे में और थोड़ा क्लियर कर दिया। यथा याकास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थान्युपधारयो। जैसे आकाश में वायु रहती है, आकाश में जिस तरह से वायु की स्थिति है उसी तरह से संसार मुझ में रहता है। जैसे वायु आकाश में तो है लेकिन आकाश से उसका कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन आकाश में ही है वह। स्पर्श से हमें वायु का बोध होता है और शब्द से आकाश का बोध होता है, क्योंकि आकाश शब्द का गुण, शब्द आकाश का गुण है। पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म आकाश है, उसका गुण शब्द है। हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई पड़ रहा है, ये आकाश के माध्यम से ध्वनि प्रसारित हो रही है। और जो वायु है वो स्पर्श उसका गुण है। ये आकाश में ही वायु स्थित है, लेकिन आकाश और वायु का संबंध ऐसा नहीं, कोई संबंध ऐसा नहीं क्योंकि पकड़ के बैठे हुए हो, जैसे निरा वो गीला भी नहीं कर रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा, लेकिन आकाश में ही स्थित है। उसी तरह ये संसार भगवान की योग माया से परमात्मा में ही स्थित है। इसको समझाने के लिए इसी तरह से, लेकिन भगवान ने एक शब्द यहाँ उपयोग किया है, इस तरह से सारे जीव मस्थानी उपधारय, उपधारय भगवान ने उपसर्ग यहां पर एक विसर्ग का उपयोग किया है, उप का सीधे कह देते उपधारय, माने मैं सीधे धारण नहीं करता हूं, प्रकृति के माध्यम से धारण करने से वजह से भगवान ने कहा मैं उपधारय।
माने कि मैं सीधे इस समय गवर्नमेंट में काम नहीं करता हूँ, मेरे जो जो जूनियर लड़के हैं वो काम करते हैं, उनके माध्यम से मैं शासनादेश जारी करता हूँ। उपधार है माने सृष्टि परमात्मा की माया से संसार सत्यवत हो रहा है, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा उपधार है। परा उप जो है उपसर्ग है, ये उपसर्ग का प्रयोग भगवान ने किया है। गीता बहुत गंभीर और गंभीर अर्थों वाली और गूह्य ग्रंथ है, इसको बहुत समझ करके धीरे धीरे ऋषियों से पूछेंगे तब समझाएंगे, नहीं तो आज जितनी भी टिप्पणियां अभी तक गीता पे उपलब्ध हैं आदि शंकराचार्य सहित सबको अगर मिला भी दिया जाए तब भी वो गीता की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। इफ यू रीड ऑल द कमेंट्रीज ऑफ द गीता वॉट एवर रिटेन स्टिल दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन श्रीमद भगवद गीता। ज्ञानेश्वर तो यह भी कह देते हैं, ज्ञानेश्वरी में जो ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी है भावार्थ टीपिका, उसमें तो उन्होंने लिख दिया कि भगवान शंकर सहित गीता का पूर्ण अर्थ कोई संसार में जानता है ऐसा मैं नहीं समझता। माने भगवान शंकर सहित गीता को पूर्ण रूप से कोई समझता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों को धीरे धीरे पिताजी का ईश्वर कम उसके भक्ति के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। जितना अर्थ समझ में आए वो ठीक है, जितना न समझ में आए वह भी ठीक है, बाद में समझ में आएगी। इसको और स्पष्ट कर देते हैं, मयाधक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। सुबह हो गई शाम हो जाएगी, तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, चराचर जगत मेरी प्रकृति जो है वह स्वयं इसका निर्माण कर देती है। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। ये तरहवे में है, जब निकलता रहता है वो पानी का नल खोल दीजिए तो वो अपने आप बहता रहता है। अब आप लोग सोचेंगे कि बैठा दिया हमको, अब छोड़ ही नहीं रहा है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। आगे का श्लोक देखो 121 पर, यह है ही इतनी ललित गीता और मुझे इतनी प्रिय है कि आप लोगों को अगर आधा घंटा भोजन में विलंब हो जाए तो भी मैं आप क्योंकि फिर आपको न हमें ना पाएंगे फिर, और हम भी ऐसा अवसर पे फिर नहीं बैठ पाएंगे। ये सहयोग बनता है तब होता है। पिताय हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारम रेक्षामा यजुरेव च। अब ये सब मंत्र श्लोक जो है ये आज तक किसी ऋषि महर्षि की वाणी से उत्पन्न हुए हैं क्या? पिता यहमस्य जगतो, मैं संसार का पिता हूं, मैं ही इसकी माता हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही इसकी माता हूं, मैं ही इसका पिता का भी पिता मैं ही हूं। माने इसका पिता का पिता, बाबा दादा सब मैं ही हूं। एकमात्र परमात्मा ही है, एकमात्र वही विचारणीय है, एकमात्र वही चिंतनीय है, वही पवित्र ओंकार है, वही समस्त वेद है। पिता यहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकारं ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं वेजयव्ययम्। एक एक शब्द, एक जैसे हीरे का एक एक तलाश तराश करके एक एक मणि हीरे की लगाई गई है। शब्दों को चैन का देखो, शब्दों को ध्यान दो। गतिर्भरता
प्रभु साक्षी निवास शरण श्रुहेत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम विजय व्ययम। ये संसार के अर्थों में हो रही है, मैं ही इसका गति, इस संसार की गति मुझ में ही है, इसका भर्ता प्रभु भी मैं ही हूँ, मैं ही इसका साक्षी हूँ, यह मुझ में ही निवास करता है, मैं ही शरण लेने योग्य हूँ और मैं ही सबका सुहृद हूँ, मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही इसकी स्थिति हूँ, मैं ही इसका अनादि बीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सब मैं महेश्वर हूँ। इससे बड़ा डिक्लेरेशन क्या चाहिए। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रुहेत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम विजय व्ययम्। इसके बाद जो कर्म लोग करते हैं उनके बारे में, फिर अपने भक्तों को भक्ति, नवा अध्याय जो है वो फिर भक्त की स्थापना करते हुए भगवान समाप्त करते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, 9 अध्याय लगभग आधे पर आ जाता है, जब आधे पर आ जाता है तब समझ लो एकदम लोग आधी जर्नी कर चुके हैं। गीता भी 9वें अध्याय पर आकर के थोड़ा समय के लिए, इसलिए इसका जो आखिरी श्लोक है और 18वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है वो एक ही है। 9वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक अभी आप देखेंगे और 18वें का आखिरी श्लोक वो शरणागति का है और वह एक ही है स्वरूप में। तो यहाँ पर आया कि जो लोग कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवलोक में जाऊंगा, वहां रहूंगा, वो सब करूंगा, तो वो तो भक्त कहता है ये सब तो हम करें कर ना पाएंगे। भगवान का भक्त तो बहुत ही सामान्य तरीके से भगवान की भक्ति करता है, वो कहता है बड़े बड़े यज्ञ समेध यज्ञ ये सब तो मैं ना करूँ पाऊंगा, न मेरे पास इतना पैसा है, वो तब मुझे कैसे भगवान प्राप्त होंगे। तब इसमें भगवान ने फिर कह दिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पेज 124 पर, जो मेरे भक्त हैं वो तो केवल हमारे नाम के अलावा उनको कोई आता नहीं है, बस राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि, श्री हरि श्री हरि, गिर पड़े तो श्री हरि, कहीं भी पड़े हैं तब भी श्री हरि श्री हरि, मुख से ये कई शब्द निकलता है, नारायण गोविंद माधव मधुसूदन। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो, ये अनन्य चिंतन करने वाले मेरे भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो, जिनके चिंतन का कोई विषय है ही नहीं दूसरा, ऐसे मेरे जो भक्त हैं तो तेसाम नित्याभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्त कहा है, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम् लिखवा के टंगवा दो आकाश पाताल में। आकाश पाताल में सब जगह ये श्लोक लिख दिया जाए, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया गुस्से में और कहा कि उत्तरा के वो अब कोई भी पांडवों का शेष न बचे, उत्तरा केवल गर्भ में थे, उत्तरा को गर्भ था, वही एक अगर पुत्र पैदा हो जाता तो पांडवों का वही एक शेष उनके परिवार में बचता। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने देखा तो व्यास जी दौड़े, सारे लोग दौड़े, अश्वत्थामा से कहा कि जल्दी वापस ले ले अपना ये ब्रह्मास्त्र, क्या कर रहा है तू, गर्भ पर किसी भी स्त्री के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ये आज तक सृष्टि में न सुना गया न सोचा गया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो भाई मतलब युद्ध में किसी दूसरे कंट्री में जिसके पास उसी तरह का ब्रह्मास्त्र हो जब चल रहा हो तो करे। जो स्त्री घर में बैठी है जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, दोनों तरफ की स्त्रियां कौन युद्ध में, क्या उनसे मतलब है, उत्तरा के गर्भ में को मारने के लिए तू ब्रह्मास्त्र चला रहा है पापी, तुरंत वापस ले ले।
अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज हम वापस नहीं ले सकते, हमारे पास लेने की कला ही नहीं जानता हूँ मैं, खाली गोली चला सकता हूँ, गोली वापस लेने का मुझे ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने देखा ये तो साला ऐसे ही है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और बोले अभी तो ब्राह्मण है, इसको पहले मारना पीटना बाद की चीज है, पहले मैं रक्षा करूं इसकी। उत्तरा के गर्भ में भगवान तुरंत प्रवेश करके, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके एकदम भ्रमण करने लगे, और उत्तरा के गर्भ में कवच बन करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मास्त्र आया, वापस चला गया। उत्तरा का गर्भ जो है जीवित पैदा हुआ। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने बहुत श्राप दिए हैं, वो अलग है कि आज से तू ब्रह्म हत्यारा, बालक का, बालकों का मारने वाला कहा जाएगा, तो गुरुपुत्र और ब्राह्मण कहलाता है, आज से तेरे सितार तेरा सारा यश नष्ट हो जाएगा। तू ऐसे जंगल में भ्रमण किया कर जहां भोजन का अभाव रहे, तू शंकर बनता है। अर्जुन से कहा इसकी निकाल लो मणि, एक यहां पर अपने मस्तक पर मणि लगाए रहता था, तो अश्वत्थामा जो है यमराज और भगवान शंकर के अंश उत्पन्न भी हुआ था। बोले इसकी मणि निकाल लो, उसके बाण से जो है अर्जुन ने उसकी मणि निकाल ली, तो पीप बहती रहती है उसके मस्तक पर अश्वत्थामा के। बोले स्मरण तुझे रहेगा कि तू जो है किसी बच्ची के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने वाला महापापी है, और तू शंकर बनता है, या ये पीप तुम्हें याद दिलाती रहेगी, दुर्गंध आती रहेगी। वो मणि निकाल ली थी। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, जहां वह इतने उदार है कि गोपियों के लिए माखन मिश्री और नाचते गाते हैं, वहीं पर पापियों के लिए महा हजार यमराज की तरह से खड़े रहते हैं और इतना कठोर दंड देते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्यो प्रहितमश्नामि प्रयतात्मनः। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। पत्रं पुष्पं, अब लड़का जाए बेलपत्र तोड़ लाया और बेलपत्र ला करके भगवान को चढ़ा दिया, बड़ा प्रसन्न हो गए। पत्रं पुष्पम फलम तोयम, पानी जिसकी जटाओं में गंगा बैठी है, ऊपर ले एक लोटा पानी चढ़ा देने से तुम साले कौन बड़ा बहुत बड़ा काम कर लिए। जिसकी जटाओं में भगवती गंगा विराज रही है, लेकिन अब पंडित कहीं से एक लोटा पानी लाया, हर हर गंगे करके रात के 2 बजे चढ़ा दिया, तो बाबा खुश हो गया, देख ला गया कहीं से लाया पानी। ये नहीं कहता 2 बजे रात में हमारे सर में पानी डाल दो तो मैं दिमाग खराब हो गया। भगवान कुछ नाराज नहीं होते, लेकिन क्या है, ये उनकी भक्त परवशता है, भक्त वत्सलता है। यह तक कह दिया अप्रहे, मतलब इसमें लिखा अश्नामी शब्द आया है, अश्नाम माने खाना। अश्नाम का होता है कि जैसे एक तो होता है कि जैसे आप लोग थाली वाली लाके बाबा को रख देते हैं और पर्दा लगा देते हैं और कहते हैं भैया खाओ या ना खाओ हम जब चल रहे हैं, ये लोग ऐसे भोग लगाते हैं ना। हनुमान जी को ला थाली रख देंगे, खाना खाना नहीं तो जल्दी है हमको है, तब तक फोन बजने लगा पत्नी का, अब हनुमान जी खाए ना खाए, इस तरह नहीं होता। मूर्ति पूजा का तात्पर्य होता है कि भगवान खाता है, अन्यथा तो भगवान को क्या खाने की जरूरत है, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। मंदिर बनाने की आवश्यकता होती है, वो मनुष्य की तरह ही उसमें प्राण है, तभी हम आते हैं अपनी बात कहते हैं, वो सुनता है, एप्लीकेशन रिसीव करता है। मूर्ति हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कही जो शब्द कहा गया है, ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, माने भगवान भोजन करता है, उसको ठंड लगती है, ये बात समझना चाहिए आप सब लोग। इसलिए भगवान को भोजन कराते समय ध्यान से थाली लगाओ, सफाई से लाओ, कहो कि आप खाइए। हमारे यहाँ कहीं कभी मूर्तियों खिलाया जाता है, खाते हैं, लेकिन ये लोग भगवान कह रहे अश्नामी, मैं खा जाता हूँ, मुझे इतना नहीं कि पत्र इसने पत्ता चढ़ाया है तो पत्तवा खा जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतने मेहनत से ले आया, इतने भक्ता अनुकंपी हैं,
इसलिए ये भक्ति का स्वरूप है। वृंदावन की भक्ति, महाराष्ट्र की भक्ति, और जगहों पर आप भक्ति देखेंगे जो भाव के भक्ति से करते हैं, वह मूर्ति पूजा में ही भगवान को प्रकट कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस ये समझते थे कि माँ खाती है, ये नहीं समझते थे कि माँ नहीं खाती है। कहती तू नहीं खाती है इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगा। चाकू एक दिन उठा लिया कहीं से, पागल टाइप का था रामकृष्ण, एक दिन कहीं से चाकू ले आया वो सब्जी काटने वाला, और कहने लगा कि जब तू नहीं खाएगी तो मैं अपने को आत्महत्या कर लूंगा, गर्दन काट लूंगा। जब उस चाकू अपने मारने के लिए तय हो तो माँ तत्काल प्रकट हो गई, बोले अच्छा चाकू रख दे हम, चलो दोनों लोग साथ खाना खा लेते। पूरा खा गई तो कहने लगा पूरा खा गई मैं क्या खाऊंगा। नामदेव भगवान को खाना खिलाते थे मंदिर में, एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि तुम खिलाना, चले गए उनके पिताजी, बच्चा नामदेव सोचने कहने लगा कि पिताजी खिलाते हैं तो आप खाते हैं, मैं बच्चा हूँ इसलिए बेवकूफ़ समझ रहे हैं, नहीं खाते है। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप खाना नहीं खाए मेरे वजह से, और अगर आप नहीं खाएं तो मैं आपके सर अपना फोड़ दूंगा। और ड्योढ़ी पर सर पटकने के लिए जब नामदेव छोटे से थे 5 साल के, तो कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए, बोले नामदेव ये मानना कि मैं खाता हूँ ये तुम्हारे पिताजी नहीं समझते, थालियाँ रख के चले जाते हैं इसलिए मैं किसी दिन नहीं खाता। उस दिन पूरा साफ कर दिए नामदेव, थाली खाली लेके लौटे तो उनकी माताजी ने पूछा कि बेटा तुम तुमने क्या सब खाना तुम खुद खा गए। अरे बोले नहीं विट्ठल खाया है कि हम खाए हैं, सब खा गया और छोड़ा भी कुछ नहीं। बाद में हमने कहा मैं क्या खाऊंगा, बोले तुम घर खा लेना जाके। भक्तानुकंपी भगवान, ऐसा भगवान भक्तानुकंपी है। उस भक्त के स्तर पर अपने को लाना होगा आपको। फर्जी भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला, फर्जी भक्ति से पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, जो आप चाहते वो हो जाएगा, लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत घोर और बहुत ही सरल और बहुत ही दृढ़ भक्ति चाहिए, उससे वो आपके हृदय से प्रकट होगा। यत् करोषि यदस्नासि यज्जहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब दूसरे उन लोगों के लिए भी भगवान ने गीता खोल दी अपना दरवाजा जो पापी हैं। पापियों ने कहा हम कहाँ जाएंगे, पहले तो नहीं समझ पाए थे, अब आप समझा रहे हैं तो हम समझ गए। अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्य वसितो हिसा। पेज 126 पे नीचे देखिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। चेस दुराचारो, बहुत बड़ा पापी है लेकिन किसी वजह से वो सदाकांत के चक्कर में फंस गया और उसने उसको सच्ची भक्ति का हृदय में उत्पन्न कर दिया, तो अब क्या होगा, उसका क्या होगा। बोले उसका सब पाप मैं दग्ध कर दूंगा। उसको वास्तव में उसकी भक्ति अगर सत्य उदित हो गई है तो साधु रेव समन्तव्य, अब तो वह साधु ही कहा जाएगा। पहले वो चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, क्योंकि मैं समस्त पापों को दग्ध कर दूंगा। अब गंगा जी अगर कहेगी तो बहुत बड़ा 15 दिन से नहा ना हो, अभी नहाया अलग गंगा नहाने चला आया, गंगा जी उसको मना कर दे तब वो सारा कहा जाएगा। तू तो भाई 10 दिन से तो नहाया था ही नहीं। तो गंगा इज द अल्टीमेट शेल्टर। तो जिस परमात्मा का आश्रय लेकर के अगर हम वास्तविक भक्ति वो करने लगता है तो लिखा है साधु रेव समन्तव्य, हम उसको स्वीकार कर लेते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त करके शाश्वत शांति प्राप्त करता है। भले एक जन्म लगे, 2 जन्म लगे, एक बार टिकट कंफर्म ले लिया तब ट्रेन से उतारा नहीं जाएगा। जब तक बिना टिकट चलता था तो तब जब कोई आवेगा टिकट से बाहर निकाल देगा ट्रेन से, लेकिन एक बार टिकट ले लिया तब फिर अब एसी फर्स्ट क्लास में कंफर्म टिकट है तो लेटा हुआ चला जाएगा बम्बई तक। बीच बीच में टीटी आते रहे, साहब आपको ठीक तो है, कोई तबीयत तो नहीं ठीक, कोई आप खाना पीना तो नहीं। तो एक बार ईश्वर भक्ति की का वास्तविक भक्ति का उदय हो जाए तो आपका कल्याण निश्चित है।
और फिर भगवान ने ये स्टेटमेंट दिया है। गीता की एक और खासियत मैं त्रिपाठी तुम्हें बताऊं, गीता अनुबंधात्मक है। सारी बातें मैं आज ही बता दे रहा हूं क्योंकि फिर इसके बाद टाइम सा मिले ना मिले, अनुबंधात्मक है। अनुबंध माने कि जैसे एग्रीमेंट टाइप का, एक श्लोक पे भगवान कहते हैं तुम ये करो, तो एक श्लोक के उसी के नीचे वाले में कहते हैं कि मैं ये करूंगा। दिस इज एग्रीमेंट। माने आप कहते भाई सदाकांत कह दिए, गीता पकड़ा दिए और चल दिए, अब हम काहे पढ़े, क्योंकि इसके पढ़ने में भगवान ने जो अनुबंध दिया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही, प्रतिजानी माने फिर जान लो, तुम जानते हो फिर जान लो, नामे भक्तः प्रणश्यति, ये स्टेटमेंट है, नामे भक्तः प्रणश्यति। कोई ये कह देगा कि भगवान हमने तो आपकी बहुत भक्ति की, पहले मैं पापी था, दुराचारी था, हमको अज्ञान था, लेकिन अब तो मुझे गुरु के आश्रय से लेकर मैंने आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा नामे भक्तः प्रणश्यति प्रतिजानी, फिर जान लो संसारे, फिर जान ले कि कृष्ण भक्ति ईश्वर भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अपना फल अवश्य देगी। जितना ही मात्रा में हम उसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वो अपना फल देती जाएगी, नहीं भी बढ़ाता है तो मैं स्वयं उसको बढ़ा दूंगा। भगवान स्वयं उस भक्ति को विकसित करने लगते हैं, गुरु उसको स्वयं विकसित करने लगते हैं, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। योग क्षेम वहाम्यम, एक लाइन, बहुत से श्लोक ऐसे इसमें आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक लाइन भगवान कहते हैं, फिर उसमें दूसरे कहते हैं फिर मैं ये कर दूंगा, तो ये एग्रीमेंट है। इसलिए आप जब पढ़ें तो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें एग्रीमेंट होता हो, एग्रीमेंट केवल गीता में। एक लाइन कहते हैं अपने भक्त से कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, दिस इज द एग्रीमेंट। कितने पाप योनियां मुक्त हो गए, माम ही पार्थो व्यपाश्रित्यो ये पेशो पापयोनय, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियान्ति परां गतिम। अब जो है जटायु, जटायु को दशरथ की गति, जटायु ने सीता जी की रक्षा पुत्री समझ कर किया था, जटायु बूढ़ा था, रावण हर ले जा रहा था, सीमा आवाज दे रही थी बचाइए। अब जटायु जो समय सीता जी को अपनी पुत्री समझ करके दौड़ा, और बूढ़ा था, रावण ने मार दिया, तलवार से कट गया पंखा, भगवान आए, भगवान को वो भगवान जटायु को पिता समझ रहे हैं, और जटायु भी भगवान राम को अपना पुत्र समझता है। और जटायु को भगवान ने कहा तुझे फिर मैं कहो तो भाई तुम फिर जवान बना देता हूँ, तो बोला भगवान ये तो गिद्ध का शरीर, रोज मैं मरा मांस खाता हूँ, और आप शरीर मतलब भगवान नारायण मेरे समक्ष स्वयं खड़े, अब मैं फिर वही गिद्ध योनी का शरीर मांगू, अब मुझे आप मुक्त करिए। तो गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, हरि रूपा भगवान ने सायुज मुक्ति प्रदान की है गिद्ध को, भगवान चतुर्भुज रूप हो गया तुरंत, जैसे ही गिद्ध की मृत्यु होती है शरीर प्राण निकलते हैं, गदा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण किए हुए जटायु, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, रामायण पढ़िएगा, सायुज मुक्ति प्रदान की इस तरह से गिद्ध को। अब गिद्ध ने कहा हम कौन सा यज्ञ किए थे, कौन सा हम रोज जो है रामायण पढ़ते थे, एक घटना ने भगवान ने उसको सायुज मुक्ति प्रदान की। इस तरह से पाप योनि, जो लोग पाप योनि में भी हैं और भगवान की भक्ति करते हो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए फिर किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, जो लोग ठीक ठाक से भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में क्या संदेह होना चाहिए कि वो वास्तव में मुक्त होंगे कि नहीं। लास्ट श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः।
ये आखिर में एक एक श्लोक लास्ट है, मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। कौन बहुत बड़ा पैसा मांग रहे हैं कि सब FD हमको दे दो, मन मना भव, अपना मन केवल मुझ में लगाओ, मद भक्तो मेरे भक्त हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तुम केवल मुझे नमस्कार कर लिया करो। अब नमस्कार कौन पैसा लग रहा है, हाथे जोड़ रहा है, चाहे फर्जी है नमस्कार कर लो। कुछ दिन फर्जी करोगे, धीरे धीरे असली करने लगोगे। नमस्कुरु कितनी सरल बात है, ये नहीं कुछ कह रहे कि तुम जाके सेव लाके बढ़िया वाला चढ़ाना हमको, कुछ नहीं कह रहे, कितनी सिंपल। मन मना भव मद भक्तो मद्याजे माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। दूसरा वही फिर एग्रीमेंट, तब क्या होगा जब तुम मुझे केवल नमस्कार भी कर लोगे, मेरे भक्त हो जाओगे, मेरी आराधना करोगे, मेरा अपना मन मुझ में लगाओगे, तब क्या रूपांतरण होगा। मामे वैश्यसि, मुझ में ही निवास करोगे, तुम कृष्ण हो जाओगे, मैं तुम्हें कृष्ण बना दूंगा। युक्तैव, मुझसे युक्त हो जाओगे। आत्मानं मत परायण, मेरे परायण हुआ मेरा भक्त, जो मुझे नमस्कार करता है, मेरी उपासना करता है, मेरा भक्त है, वह मुझसे युक्त होकर के मेरी सायुज मुक्ति प्राप्त करता है, वह नारायण हो जाता है, मेरे साथ ही नारायण वैकुंठ लोक में निवास करता है, बीच में आता जाता रहता है। लक्ष्मी जी कन्फ्यूज हो जाती हैं कि वास्तव ये नारायण है कि वो नारायण है। तो माँ ने एक दिन कहा कि ये तब इतने नारायण पैदा कर लिए हो, भक्त तुम्हारे से इकट्ठे हो गए हैं, तो हम ही भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, डिस्टिंक्शन के लिए जो ओरिजिनल नारायण है उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी का निवास होगा। वो भगवती लक्ष्मी जो है वो चमक बिजली की तरह चमकती रहती हैं, वो भगवान नारायण के ओरिजिनल हृदय पर रहेंगी, भक्तों के लक्ष्मी जहाँ नहीं रहेंगी, जिससे पहचान लोगे कि ये भगत मतलब नारायण सायुज मुक्त से है। केवल माँ के स्थान से डिस्टिंक्शन किया जा सकेगा भगवती, अदरवाइज वो पूरे नारायण ही होंगे। इसलिए भगवान अपनी सायुज मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। अब हम लोग 9वें को यहाँ छोड़ेंगे, केवल एक 11वें का। अब ये कि अभी अर्जुन का जो मामला चला था क्वेश्चन, वो समाधान नहीं हुआ है। अर्जुन का प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई रिजल्ट में क्या होगा, लड़ाई में तो जीतना हारना टेंशन, ऊपर से फिर लड़ाई का परिणाम क्या होगा। ये तो अभी अर्जुन ये सब बातें करने के बाद भी अर्जुन का उत्तर मिला नहीं है। तब अब अर्जुन कुछ चालाकी से ये कहते हैं कि भगवान ये बताइए कि आप बहुत फौंक रहे हैं कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, तो आप क्या क्या हैं। विभूत योग आता है, तो भगवान को कहते कि जैसे आप क्या क्या हैं जरा विस्तार से बताइए। तो जैसे हमसे कोई बेवकूफ़ आदमी पूछे कि अच्छा ठीक है आप हाँक तो रहेगा, आप आइए अफसर हैं, तो आप कहाँ कहाँ DM थे, अब हम उसको बतावें हम यहाँ 15 साल वहाँ रहे, 20 साल यहाँ रहे, तो बोले अच्छा ठीक है अच्छा वहाँ थे, तो आप सबको जानते होंगे, इनको जानते हैं, उनसे हमारी फाइल करा देंगे। माने वो अल्टीमेटली अपने काम पर आ रहा है। तो हमने कहा भैया तू अपना काम कर, मैं तो हूँ ही जो। तो कहते हैं कह रहा है कि मुझे अपनी विस्तार से कुछ विभूतियाँ बताइए, माने कि आप क्या क्या कर सकते हैं इंटेंशन। भगवान ने कहा मेरी विभूति का तो अंत नहीं है, लेकिन तू मेरा चेला है तो पूछ रहा है तो बता देता हूँ। रुद्राणां शंकरस्यास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकस्यास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। 135 विभूत योग, एक से एक बाप भगवान अपने आप। आदित्यानामहम् विष्णुर् ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम् शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः
इंद्रियाणां मनश्चात्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् महर्षीणां भृगुहं गिराम्यस्मेकक्षरं यज्ञानां यज्ञ जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान अपनी विभूतियों को विभूति एक एक बताने लगे, फिर लास्ट में आखिरी श्लोक पर आइए, फिर लास्ट में कहा कि थोड़ा सा बता दिया तुमको, इससे तुम जानकर क्या करोगे। अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन बिष्टभ्यामहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। अरे तू इतना दुनिया भर का जानकर क्या करेगा, मैं अपनी विभूति के एक अंश से इस चराचर जगत को धारण करके स्थित हूँ। 99% तो विश्राम में कर रहा, 1% से मैं चराचर जगत को धारण किए हूँ। बहुत जाने से तेरा क्या होगा, संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। एकांशेन स्थितो जगत, इतना भगवान ने प्रेम में कह दिया। तब अब कहा कि भाई बता तो रहे, सीरियस लग रहे, नकली आईएस नहीं है, असली आईएस है, ये असली विष्णु है। अभी तक सोच रहा था कुछ है कि नहीं, विष्णु असली विष्णु है भाई, कुछ बात है, इतना कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब लेकिन अब सिर्फ कह रहा है, अब देखिए इसके, अब अर्जुन के मन में जो मनुष्यों के का कितना संदेह होता है, बाबा पर रोज आते हैं, लेकिन आप वाकई बाबा हैं, ये हमारा वाला काम तो अभी तक हुआ नहीं। हनुमान जी कहते आप रोज में आता हूँ लेकिन लड्डू भी चढ़ाता हूँ, लेकिन अभी 15 काम बाकी है। बारे अपने काम से वो ईश्वर को ये मानता है, मापता है कि आप सही हनुमान जी हैं कि नकली वाले हनुमान जी हैं अपने काम से। अरे साले तुम्हारा काम हो ना हो हमसे क्या मतलब है, तुम हरदम हम अपने काम से हमारा स्टेट ये तो लोग कि मैं वाकई हनुमान जी हूँ। माने मनुष्य का स्वभाव जो होता है अपने कार्य से सांसारिक इच्छाओं से वह ईश्वर की सत्यता का आकलन करना चाहता है। अर्जुन में रिप्रेजेंटेशन कर रहे मनुष्य का, अन्यथा नारायण और नर ऋषि में क्या अंतर है। अब ये कहता है अच्छा भगवान आप जो है ये जो कह रहे हैं यही सब ऋषि महर्षि भी आपके बारे में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ, आप मतलब ऋषि महर्षि आपके बारे में ऐसे ही कहते हैं तो मैं देख सकता हूँ। तब भगवान ने लगा कि इसका मतलब ये और रिजल्ट चाहता है, महाभारत का परिणाम देखना चाहता है। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया जो है वो परिणाम दिखाया है कि जिसलिए तुम डर रहे हो वो देख लो, महाभारत का परिणाम दिखा दे रहा हूँ, वो विश्व रूप है। मन्यसे यदि तत्सख्यम मया दृष्टुमितो प्रभो योगेश्वर ततो मे तुम दर्शयात्मानयव्यम्। अब भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि अर्जुन के तो बस में हो गए हैं, अर्जुन जो कहता है बच्चे की तरह तुरंत। पश्चमे पार्थ रूपाणि सतसोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। इस तरह कहता है, पहले भी दसवें में कह रहा था कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आपके बारे में देवर्षि नारद भी यही कहते हैं कि आप नारायण हैं, आपके बारे में असित देवल आदि ऋषि भी यही कहते हैं कि आप परब्रह्म हैं, व्यास जी भी यही कहते हैं, और आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं नारायण हूँ। तब भगवान ने क्या वो विभूतियों को मैं देख सकता हूँ, तो विभूतियों को पहले भगवान को बताया, फिर भगवान ने को ने अपनी विभूतियाँ, तो भगवान ने कहा देख
संजय उवाच। यहाँ संजय जो है वर्ग एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपं गहीश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपं ईश्वरम्। भगवान ने विश्वरूप दिखाया योग माया से, आकाश पाताल सब जगह भगवान का शरीर व्याप्त दिख रहा है। हजारों सूर्य उदित हो जाएं तब भी भगवान के उस तेज के सामने निस्तेज हो जाए। अब अर्जुन घबराया, अब कह रहा है कि पश्यामि देवास्त्रव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ ऋषिश सर्वान अरुगांश दिव्यान। अब सब तरह का देख रहा है कि तू ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता इतने आपका है तो शंख चक्र गदा पद्म वही है, लेकिन इतना विशाल इतना तेजोमय है उसकी कल्पना नहीं कर पा रहा है। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निदानं तमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोम तोमे। न आपका आदि है अंत है। अब देख रहा है कि भगवान तो इस समय महाभारत का परिणाम दिखाने के लिए प्रकट हुए हैं। अमी ही त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयोः गृह्णन्ति स्वस्ते त्यक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तवन्तु त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कितने लोग भयभीत होकर के जय हो बचाइए बचाइए, कितने सिद्ध महर्षि उसमें प्रवेश कर रहे हैं, कल्याण हो शांत हो जाइए नारायण। सारा अचराचर का चित्कार करने लगा, भगवान का ऐसा विश्वरूप आज तक किसी ने देखा नहीं। 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मर्दगण पितरों के समुदाय गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय सब विस्मित होकर के भगवान को देखने लगे। उनके शरीर में ही स्थित होते हुए उसी शरीर को विस्मय देखने लगे। अब क्या देख रहा है कि? अब देख रहा युद्ध, अब युद्ध देखने लगा। अमी च त्वाम धृतरातस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपयोद मुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद् लग्नादशान्तरेषु संदृप्यते चूर्णित तूर्मांगे। ये तो भीष्म पितामह मरा हुआ इसी में पड़ा है, जा रहा है। द्रोणाचार्य मरा हुआ जा रहे हैं, कर्ण मरा हुआ सब जा रहे हैं, पूरी अक्षौणी सेना मरी हुई कटी हुई आपके मुख में प्रवेश कर रही है। यथा नदीनां बहवाम्ब वेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवन्ति तथा नवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवामि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे
अग्नि में पतंगे दौड़ करके आकर के अग्नि में स्वयं गिर करके आहुति देकर जलकर भस्म हो रहे हैं, उसी तरह ये सेनाएं और सारे योद्धा महारथी सब आपके मुख में दौड़ते हुए युद्ध में मारे जाते हुए जैसे अग्नि में जलकर राख हो रहे हैं। आख्या ही मे को भवान उग्र रूप नमोस्तु देव वरह प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवन आप उग्र स्वरूप वाले कौन हैं? अब तक तो थर थर कांपने लगा, अब तक तो वैसे गर्क डरा डरा हुआ था, भगवान को देख करके और रोंगटे खड़े हो गए, पैर हिलने लगा, बोल नहीं पा रहा है। तब भगवान एक ही उत्तर दे रहे हैं इस समय, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर तुम्हे प्रवृत्ता ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। कालोऽस्मि, मैं काल हूं, इस समय चराचर जगत को मृत्यु के मुख में डालने के लिए उद्यत हूं, तेरा कोई इसमें उद्योग नहीं है, तू क्या मारेगा किसी को, सृष्टि मेरी है, ये मेरे द्वारा सारे मारे जा चुके हैं। महाभारत का परिणाम दिखा रहे हैं, कालोऽस्मि मैं काल हूं, लोक क्षय, इस समय इस लोक को क्षय करने के लिए तैयार हूं, इसलिए ये तेरे बगैर भी कुछ कभी नहीं रहेंगे आगे जीवित। तस्मात्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा संद्रोन भुंगराज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। अर्जुन से कह दिया, तू बेकार बिना मतलब है, तू समझता है तू कुछ है इसमें, तस्मात उत्तिष्ठ, उठो यशो लभस्व, यश प्राप्त करो, जित्वा संत्रुन, ये तो मरे हुए हैं, मरने तू खाली बाण चलाना, ये तो मरे मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, समृद्ध राज्य प्राप्त करो, मयई वेते निहता पूर्वमेव, ये तो मेरे द्वारा पहले ही सारे मारे जा चुके हैं, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। भगवान कितने भक्तानुकंप हैं, सारा महाभारत युद्ध मार चुके हैं, अर्जुन से कहते तू खाली रथ पर बैठकर तेरा टेढ़ा मेढ़ा जो तेरे समझ में आए बाढ़ चलाते रही, सब मारे जा चुके हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्तं जहि मां व्यतिष्ठा योद्धस्व जयता शिरणे सपत्नं। तो जिस भीष्म पितामह को बड़ा बहुत बड़ा सारथी समझता है, वो तो मारा जा चुका बुढ़ा लेडी, भीष्म जयद्रथ कर्ण ये जितने जितने तो कौरवों के वीरों को समझता है, ये तो सब मारे जा चुके हैं, देख ले मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें किसी तरह से व्यथित होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ महाभारत टू द अर्जुन विश्वरूप, जिससे उसका ये समाप्त तो हो जाए कि वो युद्ध करेगा, उसमें क्या परिणाम होगा, द्रोणाचार्य को मारेगा कि नहीं, भीष्म पितामह उसको न मार डाले। अरे भैया तुझसे पूछ करके सृष्टि क्या, सदा काल से पूछ करके सूर्य बनाए हुए हैं, अपने आप सूर्यास्त होने जा रहा है कि हमसे पूछे कि भैया अब सूर्यास्त करें, यहाँ बैठे रहो बकते रहो सूर्यास्त हो जाएगा पुणे। जो सृष्टि जिस परमात्मा के नियम से बनी हुई है वो स्वतः चल रही है, उसकी आराधना करो, परिणाम के बारे में चिंता न करो, अगर तुम्हारा पिता है तो वो तुम्हारा परिणाम तुम्हारे लिए अनुकूल बनाकर तुम्हें प्रस्तुत कर ही देगा। इसलिए विश्व रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, यह अब इसमें हम लोग थोड़ा भगवान की स्तुति कर लेते हैं।
154 तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं च परम च धामम त्वया ततम विश्वयनंतरूपम वायुर्यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः पुरस्तादथ प्रेष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतये सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोऽसि ततोऽसि सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावहासार्थ सतोषी विहारसय्यासन भोजनेशो एकोथ वाप्यच्युत समक्षं तच्छामये त्वाम। मैं तो आपको समझता था कि आप मेरे साले हैं, अभी तक साला ही समझता था। खाते पीते उठते बैठते भगवान के बारे में, और भगवान इतने करुणा, कभी कभी धृतराष्ट्र आदि से कहते थे कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं, ऐसे कहते। बातें सुन करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो धृतराष्ट्र महापतित पापी उसके दरबार में खड़े होकर के कहते थे कि राजन आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात रखूं। अर्जुन के घोड़े थक गए युद्ध भूमि में, भगवान रथ से उतर जाते हैं और घोड़ों के पैरों की मालिश करने लगते, कहते थक गए ये सब, थोड़े देर के लिए युद्ध शांत हो जाता है। युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में ब्राह्मणों के जो खाने के बाद पंगत हुई, तो उस पत्तल को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। भगवान के कार्यों की कल्पना करके भी, कल्पना भी आप नहीं कर सकते कितने कारुणिक है। महाभारत का जब आप पढ़ेंगे प्रसंग इस तरह से आते हैं, कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया इन लोगों को कि वही नारायण है, विश्वरूप है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो आपको समझता था हमारे साले हैं। कभी कभी परिहास में, हर समय सुदामा जो है चना लेकर आया था, अब बोला कि चना नहीं है, मैं तो ठंडक से मर रहा हूँ, चना का खुल खुल चना ही खा गया। भगवान ने कहा अच्छा साले जाओ, तो सुदामा दरिद्र ही रह गया। कितने भगवान की करुणा के प्रसंग अगर आप लोग पढ़ेंगे, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वसमोऽस्यभ्यतिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश मेड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियार्हारसिदे। जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है, जैसे मित्र अपने मित्र के अपराध क्षमा कर देता है,
वैसे हमने निरंतर आपके प्रति अपराध किए हैं, वो सब मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सदैव आपके वैभव और आपके स्वरूप से मोहित रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना याद यदुवंशियों की यही थी कि वे भगवान को एक श्रेष्ठ यदुवंशी समझते थे। भगवान को कभी भी वो भगवान नारायण है इस तरह वो कभी नहीं समझ पाए। इसलिए ईश्वर के प्रति जो प्रमाद हो जाता है, अपनी बुद्ध से उसका आकलन हम करते हैं, गुरु का भी आकलन करते हैं, दूसरे श्रेष्ठ मनुष्यों का भी आकलन करते हैं, हम अपनी बुद्ध से ही, हमारा मेजरमेंट वही है, उसी से तौलते रहते हैं। गुरु का, ईश्वर का आकलन अपनी बुद्ध से नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको समझने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि मुझे प्राप्त हो जाए और निरहंकार हो करके, अपने अहंकार को समूल नष्ट करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इतना भयभीत हो गया, कहने लगा कि मुझे वही ये हटा लीजिए, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम वेक्षामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे भगवान, आप तो वही चतुर्भुज रूप हो जाइए, मेरे कृष्ण हो जाइए, मेरे सखा हो जाइए, मैं सब परिणाम जान गया, अब हमें कुछ टेंशन नहीं है। इस तरह से भगवान ने कहा कि जो मैंने अभी तुम्हें रूप दिखाया है, यह रूप जो है वैसे भी किसी को आज तक भगवान शंकर ने भी नहीं देखा है, यह रूप हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी ने भी यह रूप सब कभी नहीं देखा है। जो आज विश्व रूप तुमको मैंने दिखाया है, ऐसा हमारा कोई भी निकटतम ऐसा कोई नहीं जो इसको देख सका हो। भक्त्या त्वनन्यया सक्यायहम् एवं विधि अर्जुन। पेज 160 पर देखो, थोड़ा मैं छोड़ दे रहा हूँ तो कट टाइम। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया सक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वान सीमां यथा। मैं यज्ञ से, वेद से, तप से, दान से, किसी प्रकार से इस प्रकार विश्वरूप जो तुमने देखा है, मैं देखने योग्य नहीं हूँ। भक्त्या त्वनन्यया सक्य अहम् एवं विधि अर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च तत्त्वेन प्रवेष्टुम् च परन्तप। लेकिन अनन्य भक्ति से ज्ञातुम्, तत्त्वेन ज्ञातुम्, मैं तत्व से ज्ञानने योग्य हो जाता हूँ, द्रष्टुम् देखने योग्य मिल जाता हूँ, देखने के लिए उपलब्ध हो जाता हूँ, प्रवेष्टुम् सायुज मुक्ति। भगवान कृष्ण को भक्त उनका देखता है, उनसे बातें करता है, उन्हीं में रहता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। जैसे मछली पानी में ही रहती है, पानी में ही सोती है, पानी में ही खाना खाती है, पानी में ही आराम करती है, पानी में ही विलीन हो जाती है। इसी तरह से भक्त को भगवान के साथ नित्य भक्त्या त्वनन्यया शक्य। ज्ञान से कहोगे तो प्राप्त न होगा, तपस्या तो क्या तुम शंकर से बड़ी तपस्या कर सकते हो? भगवान शंकर तपस्या करने के लिए श्मशान का में चले गए, तुम क्या जो बलराम जी हैं उनसे बड़ी जो है, उनका इतने बड़े शेषनाग का बिछौना उनका हृदय है, उस पर वो भगवान सोते हैं, तो तुम उतने बड़े बिछौने हो जाओगे? तो यज्ञ में, दान में, तप में, किसी में परमात्मा के लिए तुम संतोष का कारण न बन सकोगे। हाँ, भक्ति तो बहुत सरल है, भक्ति में भगवान को जीत लो तो तुम्हारे पीछे पीछे वो घूमते रहेंगे, गोपियों के चक्कर में रहते हैं, गोपियों के साथ घूमते फिरते रहते हैं कृष्ण, उनको ये सब करने में आनंद आता है। इसलिए भक्ति रे वगरियसी, भक्ति रे वगरियसी, भक्ति रे वगरियसी। शुद्ध भक्ति से, शुद्ध हृदय से परमात्मा का स्मरण करो, निरंतर उन्हीं को आओ बुलाओ, उन्हीं के साथ रहो, संसार तो अपने आप सध जाएगा, इसकी तुम चिंता ना करो।
संसार तो ये सदा सधाया है, ये इसका टेंशन ना लो। जो पिता है अगर उसके पास पैसा होगा तो क्या अपने बच्चे को वो बढ़िया कोट पतलून ना बनवा देगा? योगक्षेमम वहम्यहम्, वो आपका योग क्षेम वहन करेगा। सुखी मीन जहनीर अगाधा और जिमी हरि शरण एक वादा, करहु सदा तिन के रखवारी और जिमी बालक राखई वारी। जंगल में, श्मशान में, एकांत में, कहीं भी पड़ा रहता हूँ, मेरी रक्षा का भार मेरे कृष्ण पर है, मेरे गोविंद पर है। हजार गोलियां चल रही हो, क्या मजाल है कि ये गोली इधर भी लग जाए? सवाल ही नहीं है। तो गोली क्या अपने आप अंडमंड चल रही है? क्या संसार अव्यवस्थित है? ये संसार सुव्यवस्थित है। इसलिए उस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके पूर्ण भक्ति का विकास करो। पूर्ण भक्ति, सानंद, एकांत, भक्तों में एकांतिना मुख्य। दिखावटी अगर माला लेके जपोगे तो तब सब मालाएं छीन ली जाएंगी। रजाई में लेट करके, कंबल में ओढ़ करके, किनारे चुपचाप नाम स्मरण करो। भिखारियों में जाके बैठो, वहीं भिखारियों के साथ बैठ करके ईश्वर आराधना करो, तब तुमको महसूस होगा कि कौन है बाबा, हनुमान जी कौन है। अपने आप को गुप्त रखो, छिपाओ, प्रदर्शन मत करो, अपने किसी चीज़ का प्रदर्शन न करो। डिक्लेरेशन गुरु और ईश्वर को करने दो, अपना डिक्लेरेशन पंपलेट न छपवाओ। यही निचोड़ है। आज हम लोग पुनः भगवान के, बाबा के आभारी हैं, आप सब लोगों के भी आभारी हैं कि जैसे हमारे बेवकूफ़ आदमी को आपने इतने देर तक टॉलरेट किया, सुना। मुझे इस बार की प्रसन्नता है कि इस बार फिर से गीता का फिर से थोड़ा थोड़ा मूल वाचन हो सका, गायन हो सका, बाबा के समक्ष पढ़ने की हिम्मत हो सकी। और मैं समझता हूँ इसका बोध भी आप लोगों को हुआ है, ये वाणी जो है आपके हृदय में कार्य करेगी, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। धीरे 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 अग्नि है, ये प्रज्वलित होगी। आज हम लोग इतनी चर्चा किए हैं, फिर इसके बाद आगे अभी इसमें 9 अध्याय बाकी रह गए हैं, वो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका जो अभी जो आगे 13, 14 और 15 जो मेरा बहुत अध्यात्म विषय, जो मेरा बहुत प्रिय विषय है, जो सांख्य दर्शन का, पुरुष और प्रकृति, क्षर और अक्षर, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, संसार क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, अद्वैत वेदांत क्या है, द्वैत वेदांत क्या है, ये सब क्या, ये सब सारी चीज़ें क्या पढ़ाई जा रही हैं, क्या समझी जा रही हैं, ये सब जो मेरा प्रिय विषय है, ये मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। यद्यपि ये शुष्क है, लेकिन हम आप लोगों को बढ़िया चावल में घी डाल करके और दाल बढ़िया जब देंगे तो आप लोग भोजन करने में आपको आनंद आएगा। गुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर 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 महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणरेणजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त।